हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम मैथमेटिक्स के तीन पार्ट में लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आज हम पार्ट वन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब तक ही जो है आपका जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है UPSC BEO के एग्जाम में, किस तरीके के SDI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के सेशन में हम पुराने यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पर डिस्कशन करेंगे। टोटल 70 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन, कोई मूलधन यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक हो तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई मूलधन यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। आपको पता है मित्र, मिश्रधन का फॉर्मूला आपको पता है, ए बराबर होता क्या है, मूलधन का 8 गुना यानी 8P हो जाता है। ए बराबर 8P हो जाता है। और ए का फॉर्मूला आप जानते हो फ्रेंड्स, ए इक्वल्स टू होता है P1+R/100n कर लेते हो। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या रख देंगे, 8p रखेंगे। 8p इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1+R/100 क्या करोगे, n बराबर कितना दिया है देखिए, 3 वर्ष में, तो n बराबर कितना रख दोगे, 3 वर्ष रख दोगे। तो ये p को कैंसिल आउट कर देगा, यानी यहाँ से अब बचा क्या, 1+R/100 का क्यूब इक्वल्स टू 8। अब इसको आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी 8 को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 हो गया। और जब यहाँ पर आप घात देखो सेम हो जाएगी, तो इसको काट दो, यानी 1+R/100 = 2 1+R/100 = 2। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे मित्र, तो ये 100 बन जा 100, और इधर जाके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए, आप इधर से देखिए 100 × 200 और 100 × 100 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अंदाज में है, अच्छा प्रश्न है मित्र। किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से 15 अधिक है तो वह संख्या होगी, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखा गया है। अब देखो, किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से 15 अधिक है। एक तो हम ऑप्शन बेस लगा सकते हैं, दूसरा हम किसी संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या ए है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, संख्या का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए, आधा उस संख्या के 1/5 यानी इस संख्या के 1/5 यानी a/5 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, यानी 15 अधिक है। आप इसी तरीके से इक्वेशन बनाते हुए चले चलिए। अब इसको देखिए, a/2 - a/5 इक्वल्स टू हो गया 15। अब आप इसका LCM ले लोगे तो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई को 5 × 5 2 × 2 5 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 3a = यहाँ कितना आया, 5 × 2 = 10, और ये 10 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, a = 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी 50 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, यदि आप कैलकुलेशन में ही टाइम लगाते रहेंगे तो एग्जाम में आपको थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, इसीलिए फास्ट करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए बीजगणित का प्रश्न है। यदि 2 की पावर x + 1 + 2 की पावर x + 1 = 320 तो x की वैल्यू निकालना है। अब देखो, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मित्र। यहाँ पर x - 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x - 1 होना चाहिए। टाइपिस्ट बहुत ही निकम्मे होते हैं, कितना भी आप अच्छा करोगे, कितना अच्छा बिहेव करोगे, लेकिन वो सब जो है गंदा काम कर ही देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, 2 की पावर x - 1 + 2 की पावर x + 1 = कितना दिया है, 320 दिया हुआ है। अब आप बच्चों करना क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 की पावर, यहाँ पर भी 2 की पावर, अच्छा आप देख रहे हो कि बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है
तो पावर जो होते हैं क्या होते हैं, या तो आप जोड़ लो, क्योंकि जुड़ा है, जोड़ है ये, तो गुणा कर लो, तो इसको हम गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लगाने का प्रयास करिए, तो ये आप लिख सकते हो टू एक अकेले बेस ले लो, ठीक है। या तो आप ऐसा करो कि इसको भाग देने का प्रयास कर लो, या फिर एक एक को सॉल्व कर लो, दोनों तरीका है। चलिए हम इसको पहले एक एक को ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। टू की पावर एक्स अपान ये माइनस वन है, चलो एक एक को तोड़ते हैं, माइनस वन है तो भाग चला जाएगा, यानी टू की पावर वन यानी टू ही हो जाएगा, प्लस एक एक को चेंज कर रहा हूं। अब इसमें देखो आप करोगे तो टू इंटू टू इंटू टू की पावर क्या करोगे एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना दिया है 320। अब आप देखो ये इंटू है, नहीं तो आप सोचिए अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, टू की पावर एक्स यहाँ भी है, टू की पावर एक्स यहाँ भी है, टू की पावर एक्स कॉमन ले लो, बचा क्या, इधर हाफ बच गया, इधर क्या बचा टू बचा, इक्वल्स टू 320 हो गया। अब आप इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करिए, टू की पावर एक्स इक्वल्स टू, अब इसको आप सॉल्व करेंगे दो दोनों चार, चार एक कितना हो जाएगा पाँच, पाँच बटे दो होगा, और ये दो इधर आप गुणा कर दीजिए, ले जा करके दो क्या करिए इधर गुणा कर दीजिए, डायरेक्टली आप करने का प्रयास करिए तो टू की पावर एक्स, ये क्योंकि मल्टीप्लाई है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, टू की पावर एक्स इक्वल्स टू करिए, डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, ये 320 है और ये 2 जाके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 32 दोनों कितना हो जाएगा 64 यानी 640 बटे, अब यहाँ बचा क्या था, दो दोनों चार एक पाँच बचा था, तो पाँच से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 5 से डिवाइड करिए, इसमें कितनी बार जाएगा, पाँच एक कम पाँच, पाँच एक कम पाँच एक छः, एक पाँच तिहाई पंद्रह ज़्यादा हो जाएगा, पाँच दोनों दस, चार पाँच अठे चालीस कितना हो गया 128 हो गया। अब देखो 2 की पावर x इक्वल्स टू 128, इसको अगर आप चेंज करोगे तो 2 की पावर में बदलोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी 2 की पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस सेम है, बेस को बेस से उड़ा दो, x इक्वल्स टू क्या मिल गया 7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया, यानी थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया करिए, आप बच्चे भी जल्दी जल्दी से सॉल्व किया करिए। यन आदमी यन घंटे प्रतिदिन काम करके यन दिन में किसी काम को यन इकाई पूरी करते हैं, यम आदमियों द्वारा यम घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम की एम इकाई पूरे किए जाने के लिए प्रयुक्त दिनों की संख्या निकालना है। आपको पढ़ाया गया है, सूत्र आपने पढ़ा है, आपको अरुण सर ने पढ़ाया है, एम वन डी वन एच वन बटे डब्लू वन इक्वल्स टू होता है एम टू डी टू एच टू अपान क्या है डब्लू टू। यहाँ तो मान लीजिए नंबर्स दिया है, ठीक है, नंबर मतलब संख्या केवल दे दिया है, लेकिन और जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तो ऐसा वैल्यू दिया जाएगा जिसकी वैल्यू निकलेगी, इसमें तो निकलेगा नहीं। देखो यन घंटे यन आदमी यन घंटे यन दिन, तो आप क्या करोगे एम वन डी वन टी एच वन की जगह यन गुड़े यन गुड़े यन करोगे बटे क्या है W1 की जगह क्या कर रहा है, वहाँ भी यन इकाई काम पूरा करते हैं, तो कितना इकाई यन इकाई पूरा करते हैं, तो ये लिखेंगे बराबर M2 कह रहा कि यम आदमी द्वारा यम घंटे प्रतिदिन काम करके कितने घंटे यम घंटे प्रतिदिन काम करके कर्म करके उसी काम की यम इकाई पूरी किए जाती है, कितना इकाई यम इकाई पूरी किए जाने की प्रयुक्त दिनों की संख्या, यानी यहाँ पर डी टू निकालना है, डी टू को हमको आप क्या करना है फाइंड करना है, ऐसे आप लिख लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा एन क्यूब अपान कितना हो गया, जरा इसको सॉल्व करिए हमारे साथ, कुछ कैंसिल आउट हो तो आप काट भी सकते हैं। आप देखो डायरेक्ट पहले तो काट दो, यन से यन कट गया, इधर एक यम से यम कट गया, इधर हो गया आपका यन स्क्वायर, क्या हुआ एन स्क्वायर इक्वल्स टू साथ में क्या है एम डी टू, एम डी टू यानी डी टू निकालना ही है, तो एम इक्वल्स डी टू इक्वल्स टू क्या करोगे डी टू इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा मित्र एम हो जाएगा, एन स्क्वायर अपान यम हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है एन स्क्वायर अपान यम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी चौथे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पांचवा कह क्या रहा है, नीचे दिए गए मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या है कि ऐसे बना हुआ है मैट्रिक्स, ये इस तरीके से क्वेश्चन था, यहां पर कलर क्योंकि
ब्लैक ही होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से था। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स कहाँ है बीच में। देखो बहुत आसान होता है, आप करिए क्या, एक के बाद पाँच, पाँच के बाद पच्चीस, पच्चीस के बाद बारह, इनके बीच में रिलेशन देखिए। वन वन के बाद क्या आया है, फाइव, फाइव के बाद क्या हो गया है, पच्चीस, पच्चीस के बाद क्या आया है, 125। फिर आप देखिए इसमें जो है इधर वाले में देख लीजिए, सात, सात के बाद चौदह, चौदह के बाद अट्ठाईस, अट्ठाईस के बाद छप्पन। तो देखो भैया सात, सात के बाद क्या है चौदह, चौदह के बाद है अट्ठाईस, अट्ठाईस के बाद क्या है छप्पन। अब आपको निकालना क्या है ये वाले में, तीन से बारह, बारह से यक्स, यक्स से उन्नीस, यानी आपको निकालना है जो तीन, तीन से बारह, बारह से जो है क्या दिया हुआ है x निकालना है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 192, 192 है मित्रों, 192। अब जरा आप करने का प्रयास करिए। अब आप पहले चेक करो, रिलेशन चेक करो, यहाँ एक पंचे पाँच, यानी यहाँ पाँच से गुणा किया, एक पंचे पाँच, फिर इसमें क्या किया, पाँच से गुणा किया, पचम पच्चीस, पच्चीस में गुणा पाँच से किया तो क्या आया 125, यानी पाँच का मल्टीप्लिकेशन था। इसमें देखो आपने क्या किया, सात दोनों चौदह, फिर चौदह में दो से गुणा किया, चौदह दोनों अट्ठाईस, अट्ठाईस में दो से गुणा किया यानी छप्पन। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें उसी नंबर से आगे करते चले जाओ। तो देखो पहले आप तीन चौको बारह किससे किया है मल्टीप्लाई, ये चार से, तो आप आगे यहाँ क्या करोगे, चार से मल्टीप्लाई करोगे तो बारह चौको कितना होता है, अड़तालीस होता है, यहाँ हो जाएगा अड़तालीस में चार से गुणा करके चेक करो, 192 ही होता है। मीन्स आप समझ गए होगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर छठा। क्या कह रहा है, एक झोले में दो लाल कंचे, कंचे का मतलब होता है मार्बल्स, दो लाल कंचे मार्बल्स, तीन हरे कंचे और चार नीले कंचे हैं। एक ऊंचा अटकल, एक ऊंचा अटकल पच्चू, अटकल पच्चू रैंडम रीति से झोले में निकाला गया, रैंडम रीति से झोले से निकाला गया, इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया कंचा नीला कंचा नहीं होगा, क्या होगा, कंचा नहीं होगा। तो देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी है, क्या है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी है, आपको प्रायिकता पढ़े होंगे। तो झोले में कंचों की संख्या पहले तो आप निकाल लो, क्या निकाल लो, पहले टोटल नंबर ही नीचे क्या किया जाता है, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता पढ़े होंगे, किसी भी नंबर में जो भी आपसे, देखिए यहाँ पर क्या है, रैंडम, रैंडम पूछा जाता है, तो ओवरऑल इन टोटल पहले आप देखो टोटल कंचे कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ कंचे देखो, तो दो लाल, तीन हरा, चार नीला, तो दो तीन पाँच चार नौ, यानी टोटल कितना है, नौ। अब पूछ किसका रहा है, पूछ किसका रहा है, देखो यहाँ से इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया कंचा नीला कंचा नहीं होगा। अब देखो नीला कंचा नहीं होगा तो पहले निकाल लो नीला कंचा होने की संभावना, यानी नीले होने की संभावना। अब देखो नीले होने की संभावना के लिए मित्र करते क्या हो, अब टोटल कितना है नीला, नीला वाला देखो कितना है, चार, तो चार है ना, होने की संभावना यानी नौ में से चार, चार बटे नौ हो गई, ये नीले होने की संभावना। लेकिन क्वेश्चन पूछा था नीला कंचा नहीं होगा कि इसकी संभावना, तो अब आप यहाँ से निकालो नहीं होने की संभावना। तो नहीं होने की संभावना की स्थिति में हम क्या मानते हैं, टोटल एक मान लेते हैं और जितना हो रहा है चार बटे नौ हो रहा है उसको माइनस कर दो, नौ एक कम नौ, नौ में से चार गए, पांच बटे नौ यानी 5/9 इज द राइट आंसर, किसमें है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन सही भी दे रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th आपके स्क्रीन पर है। श्रेणी 13, 14, 18, 27, 43 डैश डैश अगली संख्या क्या होगी। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दोनों मिक्स करके ही आपके बीच में लाया गया है प्रीवियस ईयर का ही। आइए देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। आप ये देखो कि 13 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 27 हुआ, 27 के बाद 43 हुआ, अब 43 के बाद क्या होगा यही सोचना है। 13 के बाद 14 हुआ भैया क्या कर दिया इसने, 13 के बाद 14 हुआ तो आप कह रहे हो एक जोड़ा, ठीक है 14 के बाद एक जोड़ो तो आपका 15 होना चाहिए, नहीं बन रहा है, यानी 14 में चार जोड़ रहा है। यहाँ देखो आप ऐसे समझो, समझो भैया एक जोड़ा
14, यहाँ 14 में क्या जोड़ा, 4 जोड़ा तो 18, अब यहाँ 18 में 27 देखो, 18 9 27 होता है, यानी क्या जोड़ा, 9 जोड़ा। 27 में आप 47 देखो क्या जोड़ रहा है, तो 27 10 37 और 37 10 क्या होता है, 47 होता है ना। 27 के बाद जो है क्या है, संख्या 43 दिया है फ्रेंड्स, 43 है, 43 है, यहाँ से बना लीजिए। तो 27 में 43 जोड़ो कितना आएगा, 7 5 7 3 10। यहाँ से अब देखो 27 से आपको चलना है, 4 4 16 आ रहा है क्या, 16 होगा बिल्कुल, 16 जोड़ने पर आपका 43 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब 43 में क्या जोड़ना है, ये एक क्या है, एक आप देख रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, एक किसका स्क्वायर है, एक का, 4 किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका है, 4 का, मीन्स आगे किसका स्क्वायर जोड़ना है, 25, यानी इसमें क्या जोड़ दोगे, 25 भैया, 43 में 25 जोड़ो, 43 प्लस 25 जोड़ोगे तो 5 3 8 4 2 6 68 होता है। बोलो प्रेम से एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार थंब का निशान दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा है। मेरे मित्रों आप लोग एक मोटिवेशन बढ़ाइए एक टीचर का, हम आपके बीच में जितना हो सकता है करने का प्रयास करते रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह पुरुष इस महिला की क्या लगती है। देखिए ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन की बात है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन लगता है। देखो कैसे, एक पुरुष ने, मेरा क्या है मेथड, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस तरीके से पुरुष को व्यक्त करते हैं और इस तरीके से महिला को, या फिर आप अपना अपने से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमारी स्थिति में हम इसको पुरुष मान लेते हैं चलिए, और इसको महिला मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, महिला मान लेते हैं। ट्रायंगल का मतलब पुरुष और सर्कल का मतलब महिला, कोई ये नहीं कि ये कोई रूल है, ये आप अपने पढ़ने की दृष्टि से आप मान सकते हैं, कोई नंबर्स आप ले सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं मानना है तो डायरेक्ट आप लिखिए, देखिए एक पुरुष नहीं मानना है, मान लीजिए तो आप पुरुष लिखिए, यहाँ आप लिखिए पुरुष, एक पुरुष ने, अब पुरुष ने क्या किया, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, इसकी माँ, अब देखो इसकी माँ, एक महिला का परिचय करा रहे हैं, किसका परिचय करा रहे हैं, एक पुरुष जो है एक महिला का परिचय करा रहा है और कह रहा है, कहते हुए इसकी माँ मेरी सास की, मेरी सास की, तो देखो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि पुरुष की सास, पुरुष की सास, पुरुष की सास जो होगी यानी मेरी सास की यानी माँ, यानी इसकी सास क्या कहलाएगी, सासू को भी माँ ही कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हो। देखो फिर से सुनो, इस कह रहा कि परिचय कराते हुए इसकी माँ मेरी सास की, यानी मेरी सास की, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी ये माँ है और इसकी इकलौती पुत्री कौन होगा, पहले ये पकड़ो, माँ की इकलौती पुत्री, माँ की इकलौती, इकलौती पुत्री, यानी इकलौती पुत्री जो होगी इसकी क्या होगी, इकलौती पुत्री जो होगी, आप जरा ये बताओ, इसकी इकलौती पुत्री और वो आपकी सासू माँ हैं, तो आपकी क्या हुई, पत्नी हुई कि नहीं, क्या हुई मित्र, पत्नी हो गई। अच्छा, इकलौती पुत्री, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, तो आप बता दीजिए इसका, इस महिला का क्या लगता है। अब देखो ये महिला का परिचय करा रहा था, किसका, ये आपको लिखना है पहले से, किसका परिचय करा रहा था, महिला का, ये महिला से परिचय कराते हुए ही कहा, तो अब जरा आप ये सोचो, जरा आप निकालने का प्रयास करो, यह पुरुष, ये पुरुष, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता होगा, इस महिला का क्या लगेगा, तो भैया ये बताओ, ये इसकी पत्नी हुई, ये इसकी सासू माँ हुई, इस महिला का ही परिचय करा रहा है, तो ये महिला की ये क्या है, माँ हुई, महिला की ये क्या हुई, माँ, इस महिला की माँ, तो भैया देखो यानी बेटी की माँ, यानी हमारी क्या कहलाएगी, हमारी भी क्या कहलाएगी, बेटी कहलाएगी, यानी वो क्या हो गया, पिता हुआ कि नहीं, क्या हो गया मित्र, पिता हो गया। एक तो तरीका ये है, पिता हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आप बच्चे
क्योंकि आप रीजनिंग बैकग्राउंड के हैं नहीं, नहीं तो हम आपको स्मार्ट तरीका सिखाते, वहाँ कुछ मानने की जरूरत नहीं, निकाल लेते, फिर भी बताने का प्रयास करते हैं। सुनो, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। देखो, हमको कुछ पता नहीं है, एक ले लेते हैं, ये क्या है, पुरुष है। एक पुरुष ने अब एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, अब माँ का मतलब क्या है कि एक डिफरेंस है, एक अंक का डिफरेंस है, इसकी माँ यानी डिफरेंस है, यानी इसकी माँ यानी ये और ये दोनों क्या हो गई, स्त्री हुई, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है, माँ हुआ यानी ये आपकी क्या हो गई, सासुरानी हुई, और ये आपका सिंगल बॉन्ड में जो है आपका आ रहा है, यानी उसकी पुत्री है, उसकी क्या है, पुत्री है। और किससे करा रहा है ये भी परिचय जो करा रहा है, अपने से एक नीचे वाले का ही डिफ्रेंसेशन करा रहा है, यानी एक लड़की का ही परिचय करा, यानी इस महिला से ही करा रहा है। तो इस महिला की ये क्या हुई, पुत्री जो है इसकी जो है वो क्या है, माँ है, ये क्या है, माँ है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। एक तो ट्रायंगल मेथड से इस तरीके से भी हम कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर अगला प्रश्न 9, एक श्रेणी निम्नवत है, 5, 7, 9, 11, 13। आंख मून के लगा दो, 5 के बाद 7 यानी 2 जोड़ा, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। अब बताओ 13 के बाद क्या आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100वां पद क्या होगा। ये आपको पता है कि ये क्या है, समांतरण श्रेणी है। समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा मित्र, एनवां पद बराबर, एनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवां पद यानी 100वां पद पूछा जा रहा है, यानी 100वां पद बराबर, ए बराबर होता है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 5 ले लो, एन बराबर 100वां, 100 में से एक निकालोगे तो कितना आएगा 99, गुणे डी, डी बराबर डिफ्रेंसिएशन करोगे, सार्वांतर निकालोगे तो 7 में से 5 निकालोगे 2 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 5 प्लस 99 दूना, 99 दूना कितना होता है 198, 198 में 5 जोड़ो, 8 5 13 203 हो गया, 203। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एक घड़ी 8 बजे प्रातः ठीक की गई। सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घड़ी 8 बजे प्रातः ठीक की गई, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, कितना मिनट, 10 मिनट तेज हो जाती है। दूसरे दिन जब घड़ी 1 बजे सायं दिखती है तो सही समय क्या होगा। अब देखो, वैसे घड़ी के अंतर्गत ये प्रश्न आता है आपको, मैं नॉर्मली अगर आप हिसाब लगा के देखो तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्रातः 8 बजे से अगले दिन सायं 1 बजे तक घंटों की संख्या देख लो। अब देखो, प्रातः 8 बजे से स्टार्ट हुआ घड़ी, ये 8 बजे से, 8 बजे से प्रातः ठीक की गई, 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। दूसरे दिन जब घड़ी 1 बजे देखी गई तो 8 बजे से लेकर के 8 AM टू कितना, 1 बजे अपराह्न यानी 1 PM तक चलो, 8 से 8 हो गया आपका 24 घंटा, और 1 PM मतलब 8 5 13 यानी 5 घंटे और बढ़ गए, यानी कितना हो गया 24 5 29 घंटे, ठीक है। आप देखो 29 घंटे का डिफरेंस आ गया। आप आगे देखो, कह रहा है कि 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अब देखो भैया, जरा आप निकालो, एक एक नियम पढ़े होगे, 24 घंटे में कितनी मिनट तेज होती है, 10 मिनट तेज हो जाती है, तो बताओ 29 घंटे में कितने मिनट तेज होगी, तो 10/24 गुणे क्या कर दोगे, 29 कर दोगे, बात है खत्म। अब इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आप सॉल्व करिए, 10/24 गुणे 29 करिए, इसको आप काटिए तो आप देखो क्या हो जाएगा, 10 और ये 29 दहम्मा कितना होता है 290,
बटे 24, तो 24 12 यानी लगभग 12 आ रहा है, लगभग 12 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है? लगभग 12 मिनट आ रहा है। पॉइंट अब नहीं लिया जाएगा इसमें, लगभग ही लिया जाएगा। तो घड़ी द्वारा सही समय क्या होगा, यानी 1 बजे से लगभग 12 मिनट क्या होगी, फास्ट होगी। यानी 1 बजे से लेकर के क्या करेंगे, 12 मिनट फास्ट थी, यानी घटाइए, यानी 0:12 क्या करिए, घटा दीजिए। 1 बजे में 12 मिनट घटाइए तो आप क्या करोगे, 12:48 यानी क्या हो जाएगा, शाम का हो जाएगा, यानी रात्रि का जो समय होगा 12:48 PM का समय हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब 12:48। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, बस गुणा गणित लगाने वाला है। देखिए आप ऑप्शन बेस करेंगे तो और स्मार्ट लगा सकते हैं, अभी तो हम आपको विदाउट ऑप्शन से लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 11, 61 से 100 तक के पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याएं बचेंगी। अब देखो 61 से 100 तक के पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं को निकाल दिया जाए तब शेष बची संख्या। पहले तो आप ये निकाल लो कि 61 से 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो भैया आपको पता है, आपको पता है क्या, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकाल लोगे ना अंतिम पद और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस प्रथम पद और ये d से क्या करो, डिवाइड कर दो, प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें जरा रख लो फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं। देखो L बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी यही होता है। आप यहाँ से इसको देखो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू l अपान क्या हो जाएगा a। अब और अगर स्मार्ट तरीके से आप काम करना चाहो, लास्ट टर्म है और ये प्रथम पद को ही क्या करिए, अच्छा गलती कर दिया, यहाँ घटाना था मित्र। L बराबर होता है देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आपको n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू l माइनस a होगा, क्या होगा, l माइनस a हो जाएगा। एक तो हम चाहें तो यही डायरेक्ट वैल्यू ही रख लें ना, यही क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू रख लें। देखिए 61 से 100 तक के पूर्णांकों के मध्य में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए, किसको, 3 से। तो भैया ये बताओ 61 से 100 के बीच में 100 के पहले कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, तो आप कहोगे 100। अब देखो पहले निकाल लो 61 से 100 के बीच में, तो आप कहोगे 3 से कौन सी संख्या, पहली संख्या कटेगी 61 में 63 कटेगी, 63 के बाद 66 डैश डैश डैश, फिर 100 से पहले 99 कटेगी। तो आप ये देखो अंतिम संख्या 99, प्रथम संख्या 63, तो यहाँ से 99 माइनस क्या करो 63, 99 माइनस 63 करो तो कितना आएगा, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 36 आ गया, ठीक है। और 3 से विभाजित होगी, 3 से काट दो, क्योंकि यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 3 रखोगे ना, तो यानी यहाँ n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 से काटो, कितना आ गया 12 आया, n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, n बराबर 13 हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक की बात किया मैं, बीच की। अब आपसे कह रहा है कि 61 से 100 के बीच कुल संख्या, तो 61 से 100 के बीच कुल कितनी संख्या होगी ये निकाल लो। ये हमने कहाँ से कहाँ तक निकाला, शुरुआत से निकाला, ठीक है। 61 से 100 के बीच 3 विभाज्य ना होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं, तो पहले आप इसको टोटल निकाल लीजिए, तो 100 में आप निकालोगे एक कम करके, यानी 99 माइनस क्या करोगे, जैसे आप निकालोगे 61 दिया है, 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा, आप जैसे देखो 100 में से निकालो डायरेक्ट, कोई बात नहीं, 100 में से आप निकालेंगे 60 निकालिए, एक घटा के निकाला जाता है, तो 40 संख्या हो गई, ठीक है। तो ये 40 उधर 13, 40 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप देखो, बहुत स्मार्ट तरीका जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कह रहा कि 61 से 100 तक के
पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए तब शेष संख्याएं बचेंगी। तो पहले आप 61 के बाद कौन सी संख्या कटेगी, 3 से 63 कटेगी। 100 के पहले कौन सी संख्या कटेगी, 99 कटेगी। अब आप जरा मेरे मित्र ये देखो, 63 कट रही है, 99 कट रही है, 63 और 99 के बीच कुल कितनी संख्या है, आप इसको निकालने के लिए 100 से 61 के बीच में क्या करोगे, घटा दोगे, 40 आ जाएगा, और इसके बीच में निकाल लोगे तो 13 आएगा। 63 काट दोगे, 66 काट दोगे, और उसके बाद आपका 69 आएगा, उसको काटते जाओगे तो ये कटता चला जाएगा, बचेगा कितना 13, तो उसको घटा दोगे तो 27 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। आइए क्वेश्चन नंबर 12वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इस तरीके के किताबों के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है। 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, किताब डी किताब सी के नीचे है। देखो ऐसे सोचो, किताब डी किताब सी के नीचे है, यानी यहाँ सी है तो सी के नीचे क्या है, डी है। एक चीज़ तो ये कह रहा है, देखो बनाते चलो, आप ऐसे ही बनाते चलो, सी के नीचे डी हो गया। फिर क्या कह रहा है, किताब डी किताब सी के नीचे, फिर किताब बी किताब ई के नीचे है। अब देखो पता नहीं है इसमें कहाँ है किताब, अब यही आप देखो, किताब बी किताब ई के नीचे है, यानी किताब ई ऊपर है और इसके नीचे क्या है आपका, किताब बी है। ठीक है, किताब बी किताब ई के नीचे है, किताब ए किताब सी के ऊपर है, किताब ए किताब सी के ऊपर है, वाह। अब देखो सी के ऊपर क्या है, ए है, कह रहा है सी के ऊपर ए है। अब लो यहीं से तो आपका आंसर मिल गया, सी के ऊपर देखो यहाँ से, किताब बी ई के नीचे है, किताब ए किताब सी के ऊपर है, तो किताब ए किताब सी के ऊपर कर दो, तो अब इसी के ऊपर कौन बैठ जाएंगे आके, अब ये पूरी संख्या कहाँ आके बैठेगी, ऊपर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी बी और उसके ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर ई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर तो भैया यही हो गया ना, कहीं नहीं बैठ रहा, तो सबसे ऊपर ये हो गया ई, सबसे ऊपर हुआ ई और सबसे नीचे कौन सा है, डी, तो ई और डी हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस इनको आपको सामंजस्य बना के ऐसे रखते हुए चले जाना है बस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 8, 11, 17 x 53, 101 उपरोक्त श्रेणी में x का मान। बहुत आसान होता है, 8 के बाद 11 के बाद ऐसे थोड़ा सा देखिए मैं बनाता हूँ, 8, 11, 17 उसके बाद x, फिर उसके बाद 53, फिर 101, कुछ नहीं करना, घटाते चलो। 8 में क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, प्लस का 3, 8, 3, 11। 11 में क्या हो रहा है, 11, 6, 17 हो रहा है। अच्छा अब इसके बाद तो ये पता नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है, अब 17 यहाँ 53 से 101 के बीच में देखो, 8, 3, 11 कितने का अंतर आ रहा है, 48 जोड़ा जा रहा है। एक चीज़ तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि 3 के बाद 6 आया है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 6, या तो आप यहाँ भी घटाते चलो, यहाँ भी आप घटाते चलो कि 3 में यहाँ 3 जोड़ा रहा है, इस तरीके से निकालोगे आप, यहाँ जो आएगा इस 6 में क्या करोगे, इस 3 को जोड़ोगे, इस 6 में क्या करोगे, इस 3 का जोड़ोगे, यानी 6 जो संख्या आएगी उसका 3 दोनों 6 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 3 दोनों 6, तो 6 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे देखो कि 3 में 6 जोड़ने का मतलब क्या कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है, ऐसे कर लो, 3 दोनों 6 हो जा रहा है, ऐसे देखो, क्योंकि गुणा में आ रहा है, और 6 × 2 करो कितना आ रहा है, 6 × 2 = 12 आ जा रहा है। ठीक है, 12 × 2 करो, 2 कितना आ जाएगा, 12 × 2 = 24 आ रहा है, 24 × 2 करो तो कितना आ जा रहा है, 48 आ रहा है। अगर आगे बढ़ना हो तो फिर 2 से करते 96 आता है। मीन्स आपको तो समझ में आ गया होगा कि डबल करना था, डबल करते हुए चले जा रहे थे, आंसर आपका आता हुआ चला जा रहा था,
अच्छा एक चीज अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, 8 11 17 एक्स 53 101 हो गया, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48 करोगे आप, अब निकालो इसमें क्या आएगा, यानी इसकी जगह पर क्या आएगा, आप देखो 8 3 11 11 6 17, अच्छा 17 में 12 जोड़ो, यानी 12 यानी 2 गुना जोड़ेंगे, 17 प्लस 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भैया, 29 आएगा, 29 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप एक सीक्वेंस में करते हुए चले जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 किसका है, रेशियो का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5, सी अनुपाते डी बराबर 6:7। अब बहुत आसानी से एक चीज़ तो आप समझ जाओ, ए अनुपाते डी यानी ऊपर और नीचे की बात करो, गुणा कर दो, ए अनुपाते बी का मतलब ए बटा बी होता है, अच्छा बी अनुपाते सी का मतलब बी बटा सी होता है, सी अनुपाते डी का मतलब सी अपान डी होता है, बस गुणा कर दो। अब बताओ जरा बताओ, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, इधर बचा ए इधर बचा डी, इधर बचा ए उधर बचा डी, इसका मतलब ये नहीं कि काट देना है आपको, ये एक सीक्वेंस है क्वेश्चन को करने, काट के आपको अलग नहीं करना है, यानी आप क्या करोगे 2:3 गुणे 4:5 गुणे 6 क्या करेंगे 7 कर देंगे, आपका आंसर ही यही कट के क्या आया, जैसे वहां ए अपान डी देखा था कि आपने कट किया है तो वही ए अपान डी आ जाएगा, गुणा कर दो 4 2 8 8 6 48, अच्छा कुछ इजी कर देते हैं, 3 1 3 3 2 6 हो गया, 4 2 8 8 2 16 हो गया, 16 और 7 5 35 हो गया, यानी a अपान d बराबर कितना आया 16:35, यानी 16:35 हो जाएगा, ऑप्शन c इज द राइट आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है, सभी लोगों को जवाब भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि टॉम को 48 डिक को 27 कहें तो हैरी किसके बराबर होगा, बिल्कुल आसान है आपको, देखिए प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, टी ओ एम इक्वल्स टू 48 दे रहा है, जरा देखो टी का मतलब 20, ओ का मतलब, ओ का कौन सा प्लेस होता है आपको पता होता है, ओ मतलब 15 स्थान है, यम 13वां स्थान होता है, 20 10 30 10 40 3 43 5 कितना हो गया 48, यानी प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए बस, डी आई सी के इक्वल्स टू 27 दिया, चेक कर लो, डी का मतलब क्या होता है 4, आई का मतलब 9, सी का मतलब 3 और के इलेवन, आपने किंग्स इलेवन पंजाब को देखा है तो इसको जोड़िए, 9 4 13 13 3 16 16 11 27 होता है, यानी ये भी सही है। मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि एच ए डबल आर वाई के प्लेस वैल्यू को केवल लिख लेना है, एच आप देखो अंग्रेजी के 8 की तरह बनता है, 8 हो गया, ए पहला स्थान है, आर राजा कितने वर्ष का शादी होती है, राजा की 18 वर्ष में, राजा की शादी 18 वर्ष में, और उसके बाद वाई जेड से पहले वाई कौन सा है 25वां, जोड़ो भैया 8 1 9 9 8 17 17 8 17 8 8 17 8 यानी 7 4 15 25 25 5 30 0 5 3 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 70 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया, यानी आंसर डी हो गया, 15वें का सही जवाब, बिल्कुल आप सभी के जवाब भी आ रहे हैं डी हो गया, बिल्कुल आप और स्मार्ट तरीके से फास्ट जवाब देने का प्रयास करिए। 1 से 44 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, चलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करते हैं, स्पीड से आप लोग बढ़िए। 1 से 44 तक विषम संख्याओं का योग, बिल्कुल आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपसे विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप क्या करिए, विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, अंतिम संख्या में क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, अच्छा मैं तो भाग ही दे दिया, 44 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये आ गया 22। विषम संख्याओं की योग में जो है जो जितनी संख्या है उसी का योग निकाल लो, यन स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, बात ही खत्म, 484 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसमें जो है 9 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो देखो 499409 में 9 के स्थानीय मान में ये पूछ रहा है, ये इकाई स्थान पर 9 एक कम 9 हो गया, ये आपका जो है 9 लिखिए, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर ये है आपका 9 लिखिए, 1 2 3 4 जितना है उतना जीरो बढ़ा दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में जोड़ेंगे तो 9 एक कम 9 आएगा, फिर इसके बाद 2 अंक 0 0 हो जाएगा, फिर आपका 9 है, फिर यहाँ से एक 9 बढ़ जाएगा, 9 9 0 0 9 9 9 0 0 9, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको लगाना भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। आंकड़ा इतने में 2 की बारंबारता ज्ञात करना है। बारंबारता क्या होता है पहले ये समझ जाओ। सांख्यिकी में किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता कहते हैं। अब आप देखो इसमें कौन सी घटना कितनी बार कह रहा है, अब किसकी बात कर रहा है, 2 2 कितनी बार आया चेक कर लो, 1 2 3 4 5, सोचो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बीईओ में, बी इज द राइट आंसर हो गया। लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं टेक्निकल होते हैं, उन टेक्निकलों को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करते हुए चलना है, घबराना नहीं है, मैथ बहुत आराम से, अभी ये पहला लेक्चर है, इसके बाद दूसरे लेक्चर में करा दिया जाएगा, अरुण सर आपको बहुत अच्छे से मैथ करा रहे हैं कराएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। चलिए किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 के बराबर है तो वह संख्या, कुछ नहीं करना है, किसी संख्या के मान लेते हैं संख्या x है 40% मतलब 40/100 का 16% यानी 16/100 बराबर कितना 8, काट पीट लो ये कट गया, 4 से इसको काटो 4 25 हो गया, ठीक है, आप इसको देखो और काट लो, 2 से काटो 2 8 16, 2 5 10 हो गया, 25 5 कितना होता है 125, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 125 8 125 8, अच्छा और आसान कर लो, इधर को 8 को इधर के 8 से काट लो, 125 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x इक्वल्स टू 125 हो गया, बात ही खत्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए जल्दी से, किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम, कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन देखते ही बताओ। देखो दो तरीका है, किसी संख्या का 10%, 10% का मतलब क्या होता है 10/100, संख्या का 10% उसी संख्या के, मान लेते हैं संख्या x लिए थे, उसी संख्या के 20%, उसी संख्या के 20% यानी 20x/100 हो जाएगा, से 4 कम है, ये क्या है 4 कम है, तो इसको 4 जोड़ दो, इक्वेशन बराबर हो गया, इसको सॉल्व करो, 2 1 कम 2 2 5 6 10, ये कट गया ना, आप जरा देखो ये देखो, अच्छा और आसान कर सकते थे, मैंने मान लीजिए आसान नहीं किया, यहाँ से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इधर जाके गुणा होगा x, 10x बराबर 5 इधर है, और ये 4 था ना 100 चौको 400, इसको मत भूल जाना कि इसको खा जाएंगे, तो 10x बराबर कितना 400, 0 से 0 कट गया, x बराबर 40, देखो कहाँ है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे उड़ा दिया करिए। व्यंजक, अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखने के बाद आपको डर भी लग रहा होगा यार ऐसा क्वेश्चन है, हमारे टाइपिस्ट महोदय देखिए का को जो है हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में ही का लिखे हैं, कोई बात नहीं, चलिए आपको तो आता ही है, आप लगाने का प्रयास करिए, 5+5, अब देखो क्वेश्चन बहुत फंसा रहा है, 5+5 × 5, तो पहले क्या होता है गुणा, पहले का को काटिए ता पीछे दो भाग गुणा करो, फिर अंत में धन ऋण नंबर लाग, तो ये करोगे 5+5 × 5 कितना हुआ 30, ठीक है, इधर जोड़ो 5+5 × 5 = 15, यानी कितना आ गया, आप देखो यहाँ देखो ये गुणा कर दिया 5+5 = 30, अच्छा ये भी 30 ही दिया है, कोई बात नहीं, गुणे 1/5 को 1/5 में भाग दोगे, 1/5 का 1/5 का 1/5, देखो यहाँ पहले का काटोगे, ये काटो तो ये इसका मतलब हो गया 1/5 × 1, ये 1/25 है तो 25 ऊपर चला जाएगा, यानी 25/1/5 का, यानी इसको गुणा कर लो, यानी 1/25 ये गुणे 5/1 हो जाएगा, बस यही ध्यान देना होता है, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती भी थी, इसको सॉल्व करो, 5+5 = 25 में 1 गया 24, कितना हो गया 24 24 बटे, नीचे क्या है 5 × 1/2/10, 2/10 ये पलट दो तो क्या हो जाएगा, पलट जाओगे तो क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, सॉल्व करो मेरे भैया, ये बताओ 30 से 30 कटा कितना बचा 1, उसको लिखो ही मत, 5+5 ये लिखो 5,
पाचम 25 यानी 1/5 आप चाहते तो इसको भी पलट देते, इसको भी हम क्या करते पलट देते, लेकिन नहीं किया अभी, अभी कर देंगे। 5 × 2 = 10, 2 + 2 = 12, 12 × 2 = 24 होता है 24, यहाँ लिखो -24। अब ये पलट जाएगा पाचम 25, अब 25 - 24 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन आंसर आ रहा है 1। बहुत आसान होता है, डरना नहीं होता है आपको, आपको एकदम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। देखो एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है मित्र, मैं समझ सकता हूँ आपके प्रेशर को, समझ सकता हूँ। एग्जामिनेशन साल में बैठने के बाद जो होती है दिमाग का आपका 20% कम काम करती है, जो आपको क्वेश्चन आते रहते हैं वह गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए दो स्थितियां होती है, आप बहुत अच्छे से तैयारी किए हो तब पर भी आपका दिमाग जो है घबराता है, आपकी तैयारी बहुत मीडियम में है तब पर भी घबराता है। जो बच्चा एकदम तैयारी नहीं करता, एकदम बिंदास मारते चलता है, चलो इसको ये मारो इसको वो मारो, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करने के बाद थोड़ी सी टेंशन होती है और सावधानी बरतनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे से करिए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप बढ़िया करेंगे मुझे विश्वास है। चलिए, एक परीक्षा में 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 61, 51, 53, 43, 41 की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है? माध्य माध्यिका बहुलक आपने पढ़ा है, वहां पर आपने देखा होगा ये क्या है 61। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लो, बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है। देखो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सम संख्या में है। पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखो, सबसे छोटा क्या है 33, 33 के बाद 41, 41 के बाद 47, 47 के बाद क्या है 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 61। जब भी आपको मिले, अगर मान लो यही इवेन है, ऑड होता तो हम बीच वाली संख्या डायरेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन इवेन है, इवेन की स्थिति में यन बराबर कितना दे रहा है 6, 6 क्या है सम है, जब सम होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सम की स्थिति में जो मीडियन होता है, माध्यिका होती है, इसके लिए आप याद कर लीजिए n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे, बस बात खत्म। n/2, n = 6, 6/2 यानी तीनवा पद आप देखो 1, 2, 3 तीनवा पद क्या है 47 लिखो, ठीक है। प्लस n/2 + यानी 6 में क्या रहा 3 और 3 में एक जोड़ोगे चौथा पद क्या है 51 यानी 47 + 51 बटे क्या करोगे 2 करो, जोड़ो 47 + 51 कितना आएगा 98, 98 / 2 करोगे तो कितना आएगा 49, 49 आ रहा है, 49 हो गया ऑप्शन सी। अच्छा एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये था कि आप डायरेक्ट इसको पहले लिखते 33, देखो लिखना तो पड़ेगा ही 33, 33 के बाद 41, 41 के बाद 47, 47 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 61। मान लीजिए ये इवेन है तो आप क्या करिए 2 इधर से काट दिया 2 इधर से, अब जो 2 बीच में बच रहे हैं इन्हीं दोनों को जोड़ लो 47 + 51 कर दो 2 बात खत्म, यानी 98 / 2 बराबर कितना हो गया 49। बताओ एक बार प्रेम से सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार थंब का निशान दीजिए मित्रों, समझ में आ रहा है आप सभी को, अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक बार थंब का निशान देते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, विक्रय मूल्य 414 रुपये, तब बट्टे की दर ज्ञात करना। कुछ नहीं, बट्टा बराबर यही होता है, जान लिख लो आप चाहे फॉर्मूला लिख लो, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना 450 रुपये, बट और 400 कितना दिया 14, 450 में 414 निकालो, 10 में से 4 गए 6 और उसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में से गए 3, 36 हो गया। अब देखो 36 आ गया, अब बट्टे की दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बट्टे की दर ज्ञात करिए, तो 36 का दर का मतलब 100% पे निकालना है, और इसमें अब क्रय मूल्य यानी जो पहला अंकित मूल्य होता है उसी पे निकालते हैं, यानी 450 पे, यानी क्या करेंगे 450 कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से काटिए 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 4 × 2 कितना होता है 8, यानी बट्टा कितना परसेंट आ रहा है 8%, ऑप्शन बी हो गया मित्र। बहुत आराम से आहिस्ता क्वेश्चन को लगाते हुए चलते चलिए अगला क्वेश्चन 24, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है इन तरीके के क्वेश्चन में, ऑप्शन को आप देखिए लगाइए, 2 + 2 + 2 का वर्ग मतलब 2 × 2 = 4 × 8 = 8, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 का वर्ग नहीं गड़बड़ कर रहा, 2 × 2 = 2 ये प्लस है,
क्या है, प्लस है, तो प्लस दो तिहाई कितना होता है, छः, छः का वर्ग कितना होता है, छंग 36 होता है, ठीक है। इधर देखो, दो प्लस दो का मतलब क्या होता है, चार, और चार का स्क्वायर मतलब चार चौको 16, फिर इसका भी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। डायरेक्ट मुझ जबानी करिए, अब ये गुणा है, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ का स्क्वायर कितना होता है, 8 अठाई 64 होता है, ऐसे लिख लो। आगे देखो, दो प्लस दो चार हो गया, गुणे दो करोगे चार दूनों आठ हो गया, आठ का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 64 इसका भी हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी है, 256, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार थंब का निशान दीजिए मित्रों, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अब आपको ज़रूरत है अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड्स को अच्छे से कवर करके जाइए मित्र, बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे, बस आपका जज्बा ही आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगा जिस मंजिल की तैयारी आप काफ़ी अरसे से कर रहे हो, बस उस मंजिल को वही प्राप्त कर सकता है जो घबराएगा नहीं, जो हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि घबराहट में क्या होगा मित्र, आप अच्छा काम भी गड़बड़ कर देंगे। देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाइए, के किस मान के लिए युगपत समीकरण, इतना बराबर इतना। अब देखो, युगपत समीकरण सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है ये, लेकिन एक चीज यहां दे रहा है, अनंत हल होंगे। अब भैया देखो, अनंत हल होंगे, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अनंत हल कहने का मतलब ये होता है कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 होना चाहिए, किसी एक वैल्यू को लेकर के सॉल्व कर लोगे। अब देखो, 3/3, यानी यहाँ ऐसे लिखो, आप ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 3, a2 6, 3/6 बराबर B1 क्या है, देखो यहाँ माइनस का 5, माइनस संख्या के साथ लेंगे, माइनस दिया हुआ है, माइनस का 5 लिखिए बच्चे। B2 देखो माइनस का 10 दिया है, माइनस का 10 ले लो बराबर। C1 बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। C2 यहाँ पूरा लेंगे, 3 के लेंगे। अब बताओ भैया क्या करना है, K की वैल्यू ही निकालना है, किसी एक को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसके साथ इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, K को निकालना, निकाल लोगे आराम से। चलो किसी एक को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 काट लो, इसको माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3K इक्वल्स टू 14, 3K इक्वल्स टू 14, के बराबर भैया 14/3 कितना हो जाएगा, 3 बोलो, प्रेम से समझ में आए कि नहीं, ऑप्शन डी। एक बार बताओ मेरे मित्रों, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से आपको करना है। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक संख्या की उसकी व्युत्क्रम संख्या द्वारा वृद्धि कर देने पर 17/4 के बराबर हो तो संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का ट्रेंड है इस एग्जामिनेशन में जाने का, तो बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या का उसकी भी, अच्छा देखो, आप ऑप्शन बेस कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो मैं ऑप्शन से ही वैसे आपको प्रेफर करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में। एक संख्या उसकी व्युत्क्रम संख्या द्वारा वृद्धि कर देने पर 17/4 के बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी एक संख्या मान लो ए, ऑप्शन ए लेते हैं 8, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/8, जोड़ने पे देखो 17/4 आएगा क्या, 8 अठाई 64 1 65 नहीं आएगा, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ठीक है। 3 लेके देखो, 3 + 1/3 करो, 3 × 9 एक, 10 10/3 आएगा, यानी 17/4 ये भी नहीं होगा। 1/4 लेके देखो, 1/4 इसका उल्टा हुआ 4, इसको सॉल्व करो, 4 चौको 16 16 1 कितना हो गया, 17 17/4, वेरी गुड, यही तो ऑप्शन हो गया, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 लेके देखो, 2 इसका उल्टा होता है 1/2, क्या करना था, जोड़ना था, 2 × 2 = 4 1 5/2 आएगा, इतना तो समझ रहे हो ना, इतना तो समझ रहे हो ना कि कैसे मैं 17/4 कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे यहू नहीं समझ, लिख लो भैया 1/4 + 4, इसका मतलब 1 करोगे तो 4 LCM होगा, 4 से इसमें भाग दोगे, 4 एकम 4 1 हो गया, 1 से इसमें भाग दोगे, 4 आया, 4 को 4 में गुणा करोगे 16 आएगा, और 16 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17/4, प्रेम से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को इसमें 70 क्वेश्चन लिया गया, थोड़ा स्पीड से करेंगे। बताइए, यदि समीकरण px2 - qx + r = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का
मान बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा था, माइनस क्यू अपान पी। ये फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू अपान पी होता है फॉर्मूला जब प्लस होता है, लेकिन अब ये माइनस में ही पूछ रहा है तो माइनस के अंतर्गत माइनस पूछ रहा है तो माइनस यहां लग जाएगा, माइनस से माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान पी। ये हो गया क्यू अपान पी। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर, यहां क्या दिया है, आर आर बटे पी, यही तो होता है, आर अपान पी हो गया। अच्छा, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा, इसको सॉल्व करोगे ये इधर क्रॉस ये इधर क्रॉस, ये हो जाएगा यानी ये अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले क्या, क्यू अपान पी अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर अपान पी, ये पी को पी ले दूंगा, क्यू अपान आर हो गया, यानी क्या हो गया, क्यू अपान आर इज द राइट आंसर। किस में है, क्यू अपान आर हो गया आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। त्रिभुज की कोई माध्यिका उसे दो ऐसे त्रिभुजों में विभक्त करती है जो, देखिए त्रिभुज की कोई माध्यिका उसे दो त्रिभुजों में विभक्त करती है, ऐसी त्रिभुज को क्या कहते हैं। जैसे आप समझिए, त्रिभुज की माध्यिका उसको समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करते हैं, किसमें, समान क्षेत्रफल वाले। मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज है, अगर मान लीजिए माध्यिका इसको डिवाइड करेगी तो इसका जो एरिया होगा इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके का भी एक दो प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह, किसकी बात कर रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हों, जैसे समांतर चतुर्भुज ये होता है मान लीजिए इस तरीके का कोई है और विकर्ण बराबर है, डी वन इक्वल्स टू डी टू है, डी वन डी टू बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, अब बताओ वो क्या होगा, यहू बराबर, यहू बराबर, समलंब चतुर्भुज, सक्रिय चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, तो सम नहीं कह सकते, विकर्ण बराबर है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। आप ऐसे देखिए, आप जैसे आयत है मान लीजिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, यानी ये सामने सामने की भुजा एक दूसरे के क्या है, समांतर। जैसे ये आप विकर्ण की बात करोगे, डी वन डी टू बराबर हो गया, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, यानी रेक्टेंगल कहलाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे, अच्छा प्रश्न है। एक सीढ़ी इस प्रकार रखी हुई है, एक सीढ़ी इस प्रकार रखी हुई है, मान लीजिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी किसी दीवाल से, ये सीढ़ी नहीं ये दीवाल है, और दीवाल पर ही सटा करके क्या की जाती है, सीढ़ी रखी जाती है। एक सीढ़ी इस प्रकार रखी गई कि इसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है, दीवार से ये यहाँ तक कितनी मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, तथा इसका ऊपरी सिरा जमीन से 12 मीटर ऊँचा है, यानी जमीन से कितना मीटर है, 12 मीटर ऊँचा है, ऊंची खिड़की तक जाता है, सीढ़ी की लंबाई। अब यही देखो, यही निकालना है, अब बिल्कुल बताओ आपको क्या निकालना है। मान लो ए बी सी ले लो, बचपन में याद करो पाइथागोरस थ्योरम, ये लंब या क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169 169 का अंडर रूट करो कितना आएगा, 13 मीटर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब सही भी है। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर अलग अलग भुजा है, तो इस स्थिति में आपको हीरोज फार्मूला का प्रयोग करना होता है, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, 13, 14, 15, 33, 39, 41, 41, 41 का आधा 21, यानी एस बराबर 21, 21 में ए निकालो, यानी 21 में 13 निकालो कि कितना आएगा, 21 माइनस 13, 8, 3, 11, 8 हो गया, 21 में आप 14 निकालो, 8, 4, 12 यानी 7, 6, 13 यानी 7 हो गया, 21 में आपको क्या करना है, 15, तो 15, 6, 21 हमारी तरह ऐसे जोड़ लिया करो, कितना कम पड़ा उसी को जोड़ते जाओ। अब इसी का आप निकाल लो, निकालो कितना आया। अब देखो आप अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद इसका स्क्वायर निकालना आपको काफ़ी टफ पड़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन में इसी को आसान कर लो। 21 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणे
तीन, आठ को लिख लो क्या, दो गुणे दो गुणे दो, सात लिखा ही है, छः को क्या लिख सकते हो, दो गुणे तीन। अब पेयर बना लो, देखो एक पेयर सात का बन गया तो सात को बाहर ले लो, एक पेयर तीन का बन गया तीन को बाहर ले लो, एक पेयर दो का बन गया दो को बाहर ले लो, एक पेयर और दो का बन गया और दो बाहर ले लो, गुणा कर लो, सात त्रिको इक्कीस, इक्कीस दोनों बयालीस, बयालीस दोनों चौरासी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसको गुणा करके करते तो क्वेश्चन आपका बहुत टफ हो जाता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमित के बराबर है, पाई इक्वल्स टू 22 बटे 7 दिया हुआ है, पाई इक्वल्स टू कितना दिया है, 22/7 दिया है। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। अब कह रहा है कि परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति के बराबर है, जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति मतलब वर्ग, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 11 गुणे क्या कर लोगे, 4। वर्ग की परिमिति मतलब क्या होता है, 4 गुणे भुजा, वर्ग की परिमित बराबर 4 गुणे भुजा ही तो होता है, ये 11 ले लिया हमने भुजा। अब बताओ जरा इसी को सॉल्व करो, 2πr इक्वल्स टू 11 गुणे 4, दो से इसको काट दो, दो दूनी 4, पाई आर बराबर 11 गुणे 2, पाई की वैल्यू रख दो भैया यहीं पे, चाहे तो 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 11 गुणे 2, और आसान कर दो, 11 दूनी 22, 22 को 22 से ले डूबो, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, भुजा वाले वर्ग की परिमिति के बराबर है उस वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, क्या होता है, r बराबर लिख लो पहले, 7 सेंटीमीटर जगह कम है, ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना है पाई r स्क्वायर, यानी 22 बटे 7 गुणे r, r बराबर 7 गुणे 7 49 लिख लो, काटोगे तो 7 49 22 सत्ते आपको पता है 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के अनुपात में हैं तो वह कोण होगा, अब देखिए ऐसा कोण जिसमें कोई त्रिभुज कैसे है 4:3:2 के अनुपात में, अब आपको पता ही नहीं है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, 4, 3, 7, 2, 9, 9 बराबर 180 ऐसे लगा लो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 20, 1 बराबर 20। अब क्या कह रहा है, 1 बराबर 20, तो यानी अब यहाँ लगाओ 20 चौको 80, 20 तिहाई 60, 20 दोनों 40, अब ये आप देख रहे हो 80 अंश 60 अंश 40 अंश, तो अर्थात जो है आप जितने कोण देख रहे हो सभी कोणों का जो मान है वो 90 अंश से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। प्रेम से बताओ समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ चुके हैं, आपके सामने आ चुका है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास का मतलब आप समझते हैं, व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है ना, त्रिज्या का डबल होता है। साइकिल के पहिए को 13.20 मीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो भैया आप ये बताओ, एक चक्कर में पहले चली गई दूरी निकालो, कुल दूरी आप निकाल लो, यहाँ से चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, बिल्कुल सेंटीमीटर में तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले देखो दूरी को भी आप सेंटीमीटर में चेंज करो, कुल दूरी, कुल दूरी बराबर आप जो है इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 13.2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, तो भैया ये लो, और आसान हो गया, ये तो 1320 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर पॉइंट ही खत्म हो गया। अब साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रेम से बोलो, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, अब क्या करना है कि कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो यानी आप परिधि निकाल लो, पहले परिधि निकालो, क्या निकालोगे, परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, 2πr ना भी करते गुणा, तो 2r का मतलब 70 लिख लो, और
पाई का वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, काटो इसको 7 दहम्मा 70, 22 दहम्मा कितना हो गया 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर हो गया ये परिधि, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 220 सेंटीमीटर होगी, जितना जो है परिधि, जैसे आप देखो साइकिल ये पूरा घूमेगा तो एक परिधि घूमेगी, तो एक चक्कर में चली गई दूरी साइकिल के एक परिधि के बराबर होगा। अच्छा, चक्करों की कुल संख्या निकालना है, एक चक्कर में 320 टोटल दूरी चलनी है 1320, एक जीरो से जीरो काट जाओ, 132 में 22 से भाग दो, 132 में 22 से भाग दो तो कितना है, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, बिल्कुल कट तो रहा है, 6 बार आ जाएगा बिल्कुल, देखो 132/22 करोगे तो 22 छक्का, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो एक बार प्रेम से समझ में आया कि नहीं, बहुत आसानी से ऐसे ही करते चले चलिए, आप स्पीड के साथ करिए क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 70 है। निम्नलिखित में से कौन शेष सभी से भिन्न है, अब शेष सभी से भिन्न है इस तरीके का प्रश्न रीजनिंग में आया है, बहुत बार पूछा जाता है, कौआ कबूतर तोता बतख, कौआ कबूतर और तोता ये क्या है नभचर है, जबकि बतख क्या है जलचर होता है, जलचर और थलचर वैसे दोनों है, ये दोनों जगह रहता है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसीलिए जलचर और थलचर कहेंगे, क्योंकि जानवर तो पंछी तो सभी हैं, इसीलिए सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट देखना ही पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित शब्दों को अक्रम व्यवस्थित किया जाए तो बीचों बीच आने वाले शब्द किस अक्षर से आरंभ होगा, दिन मिनट घंटा सेकेंड सप्ताह वर्ष माह। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आप कहते हो एक सेकंड में मैं आ रहा हूँ, सबसे छोटा समय क्या होता है सेकंड, सेकंड से ऊपर भैया मुझे एक मिनट लग जाएगा, मिनट से ऊपर बढ़ते हो तो कहते हो मुझे एक घंटा लग जाएगा, घंटा से आगे करते हो तो कहते हो मुझे एक दिन भी लग सकता है, दिन से आगे बढ़ते हो तो कहते हो मुझे एक सप्ताह लग सकता है, और सप्ताह से आगे बढ़ते हो तो कहते हो मुझे एक माह लग जाएगा, माह के आगे बढ़ते हो तो वर्ष लगाने की बात आते है, यही तो दिया है। अब क्या कह रहा है कि बीचों बीच चेक करो, इसके बीचों बीच में क्या आ रहा है, बीचों बीच में कौन सा आ रहा है आप बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए, सेकंड मिनट दो इधर काट दो, दो इधर काट दो, दो इधर काट दो, दो इधर काट दो, ये बचा क्या दिन, बच क्या रहा है दिन, तो इसीलिए आपका ऑप्शन वैसे दी लिखा हुआ है केवल, तो यही लिख लो दी, लिख लो दी का मतलब दिन, यही शब्द की बात पूछ रहा है, शब्द का किस अक्षर से आरंभ होगा, अच्छा अक्षर की बात हो रही है तो अक्षर कौन से आरंभ होगा, दिन किससे आरंभ होगा दी से, यानी आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताते हुए चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 37, लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर है तथा बाईं तरफ से 11वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कुल कितने लड़के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, सुन लो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है मित्र, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर बाईं तरफ से 11वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आए जिसमें जो है पंक्ति से रिलेटेड हो, तो कुल संख्या निकालने के लिए राम के दाहिने और बाएं दोनों को जोड़ के एक घटा दो, जैसे हम कहते हैं ये इतना स्थान है इतना स्थान है बताओ उनकी कुल संख्या, तो जोड़ के एक घटा दिया करो, बस बात खत्म हो जाएगी, 7 जोड़ो 11 जोड़ो माइनस 1 कर दो, बात खत्म, 7 11 कितना होता है 18, 18 में से एक निकालोगे कितना हो जाएगा 17, हमेशा से जान लीजिए दोनों पक्ष को जोड़ के एक घटा दीजिए 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए इसी तरीके से शायद एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसके भी करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 38वां, उड़ा दीजिए इसको, उड़ा दीजिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों में से दाहिनी ओर से मोहन 9वें स्थान पर नंबर आता है जबकि सोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर आता है, दाहिने मोहन और सोहन दो दो लोग हैं, अच्छा थोड़ा सा ये सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों में से दाहिनी ओर से मोहन 9वें नंबर पर, मोहन की बात कर रहा है, मोहन 9वें नंबर पर, ये मोहन लिखिए यहाँ पर, मोहन की बात हो रही, मोहन 9वें नंबर पर, जबकि सोहन बाईं ओर से 17वें नंबर पर, सोहन नीचे लिख लो भैया, सोहन कितना आ रहा है 17वें स्थान पर,
नंबर पर, मोहन सोहन से 11वें नंबर पर है, मोहन सोहन से 11वें नंबर पर है, यानी 11 इसमें जोड़ के एक माइनस कर लेना। और कह रहा है पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, क्या करना है पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल, पहले तो मोहन से यहाँ से निकालो, यहाँ सोहन के बाईं ओर से निकालो, 11, 9, 20, 20 में से एक निकालो, 11, 9, 20, 20 में से एक निकालोगे तो 19वां स्थान हुआ। सोहन के दाईं ओर से 20वें स्थान पर कौन है, तो 20वां स्थान निकालने के लिए 20 जोड़ो, एक घटा दो, तो आपका आएगा 20, 10, 30, 36 37, एक घटा दिया 36 ही आएगा, 36 हो गया, 36 होगा। देखो कम समझ में आया होगा, मैं आपको बताता हूँ, पूरा एकदम आराम से समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर, यहाँ देखिए सोहन बाईं ओर से 17वें नंबर पर, तो आप यहाँ देखो सोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तथा मोहन सोहन से 11वें नंबर पर आता है, 11वें स्थान पर है, तथा दाईं ओर से, यहाँ ऊपर देखो दाहिनी ओर से मोहन कौन स्थान पर आता है, 9वें स्थान पर आता है, तो सोहन के दाईं ओर कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले निकाल लीजिए, किसके, सोहन के दाहिनी ओर। अब इस तरीके से निकालोगे आप, सोहन के दाईं ओर कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ 11 है, ये 9 है, 11 प्लस 9 माइनस 1, 11, 9, 20 में से एक गयो कितना होता है 19, ये क्या है सोहन के दाईं ओर। अब सोहन के दाईं ओर से यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, सोहन के 11वें नंबर पर है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो सोहन के दाईं ओर से निकालने के लिए नंबर आप करोगे क्या, जो नंबर आया है उसी में एक जोड़ दो, क्योंकि घटा के तो आया ही है, अब क्या हो जाएगा, सोहन के दाईं ओर से 20वें स्थान पर निकालो, कौन से स्थान पर, सोहन के दाईं ओर से 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर निकाल लोगे, तो 20वें स्थान पर निकालोगे, यहाँ पर दिया हुआ है 17वां नंबर, 17 और 20 जोड़ दो, माइनस 1 कर दो, यही हो गया आंसर 36। बोलो प्रेम से समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से हम लगा लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39वां आपके स्क्रीन पर है। अंकों की श्रृंखला में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, क्या करना है, अंकों की संख्या में अंतिम अंक, 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 20, 20 के बाद 32, 32 के बाद कौन सी संख्या होगी। देखो बहुत आसान है, 2 में 5 क्या हो रहा है, 3 जोड़ रहा है, 2, 3, 5, 5 में 6, 5, 11, 6 जोड़ा जा रहा है, 11 में क्या जोड़ा रहा है, 11, 9, 20, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 20 में 12 कितना आ रहा है, 12, तो देखो कितना बढ़ रहा है, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, यानी 3, 5 क्या हो जाएगा, 15, 32 प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भैया, 32, 5, 37, 10, 47, प्रेम से बोलो 47 हुआ आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दी गई संख्याओं में उसे चुनिए जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 11, 13 से भाग देने पर 11 शेष बचे और 17 से भाग देने पर शेष 9 शेष बचे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये कंजक्टिव रिमाइंडर्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे करो, ऐसे आप एक श्रृंखला बना लो। देखो 13 से भाग देने पर शेष क्या क्या बच रहा है उसको देखते जाओ, 13 से भाग देने पर शेष 11 बचता है और 17 से भाग देने पर शेष 9 बचता है, ये कर लिया। अब यहाँ एक मान लो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आपको पता होगा, 17 एकम 17 और इसको जोड़ो, 17 एकम 17 और 17 9 कितना होता है, 7, 2, 14, 15, 16, 26 हो गया, ठीक है 26। अब 13 गुणे 26 प्लस 11 कर लो, 13 गुणे 26 प्लस 11, 13 6 78, 13 2 26 और 26 7 6 13 33 और प्लस क्या करोगे 11 जोड़ो, 8 1 9 3 1 4, 3 349, कहीं मिल रहा है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी क्या होगा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी यहाँ एक्स यही निकालना रहेगा, एक बार प्रेम से बताओ भैया लोग, समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है मित्र, मैंने इसको पढ़ाया भी है, आपको कराया भी है कई मरतबे। आइए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां आपके स्क्रीन पर। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 320 है तो उनका अनुपात 1:5 है तो उनका योग ज्ञात करो। देखो रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो में ऐसा दिया जा रहा है, बिल्कुल आराम से समझ जाओ। 1:5 है, ठीक है, 1:5, 1 का मतलब x ले लो, 5 का मतलब, या तो ऐसे कर लो आप इसको 1:5 कर लो, कुछ ना करो 1:5 कर लो, क्योंकि संख्या कुछ ना कुछ होगी, तो ऐसे x ले लो, इसको 5x ले लो, गुणा करने पर 320 आ रहा है, ठीक है। 5 से इसको क्या करो, भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, यहीं काट दो डायरेक्ट, कुछ ना करो, 5 × 6 = 30, 2 × 32, 5 × 20, यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 होता है, अंडर रूट करोगे 64 का, क्यों, क्योंकि यक्स स्क्वायर है, जाके रूट हो जाएगा, यानी ये 8 × 64 8 आ जाएगा, बताओ 8 आया। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, उनका अनुपात इतना है तो उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो एक संख्या 8, दूसरी संख्या 8×5 = 40, योग निकालना तो जोड़ लो भैया, 40 और 8 मिलकर के 48 होगा, ऑप्शन सी। बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ, क्वेश्चन आपका आंसर देता चला जाएगा, कहीं कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए प्रेम से समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 41वां हो गया, 320 करा है कि नहीं, बिल्कुल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह क्या रहा है, 5 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, किताब सी किताब डी के ऊपर है, ई किताब ए के नीचे है, डी किताब ए के ऊपर है, बी किताब ई के नीचे है, बीचों बीच कौन सी किताब है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल आराम से कर लो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो पहले आप ये सोचो, सबसे नीचे जाने का प्रयास करो, सबसे नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जाने का प्रयास किया करिए। 5 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखें, किताब सी किताब डी के ऊपर है, किताब सी किताब डी के ऊपर है, यानी आपको ये तो समझ में आ रहा है डी कहीं ना कहीं होगा, और डी के ऊपर क्या है, सी दिया हुआ है, जैसे दिया है वैसे लिख लो, ऊपर है। ई किताब ए के ऊपर है, अच्छा ई किताब ए के ऊपर, यहाँ ई होगा इस किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, अच्छा ठीक है, और डी किताब ए के ऊपर है, डी किताब ए के ऊपर, वाह देखो आंसर तो आपका दे दिया, डी किताब ए के ऊपर है, यानी इसके ऊपर किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। अब यहाँ कुछ गड़बड़ी किया था क्या, यहाँ एक उल्टा कर दिया था, अच्छा ये उल्टा कर दिया था, ए और इसको ई होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ ई आना चाहिए था, ई हो गया। फिर कह रहा है ऊपर है, बी किताब ई के नीचे, ई के नीचे कौन सी किताब, बी, तो भैया कह रहा है ठीक बीचों बीच, यहाँ से निकालो, इसको काटो, बचा क्या, ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो एक बार समझ में आया कि नहीं आप बच्चे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मित्र, ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मित्र हम अपनी तरफ से भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं बेस्ट करने का, किसी भी सब्जेक्ट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमने जो आपसे वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए हमें चाहे जितने घंटे मेहनत करनी पड़े हम आपके लिए लगे हैं, लगे रहेंगे, अंतिम दम तक आपके साथ हैं, और पूर्णतया पूर्ण विश्वास है मित्र यदि आप थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करोगे निश्चित रूप से आप बढ़िया करोगे, अच्छा कर जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 से, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम बराबर 1/12 हो गया, बचपन वाले दिन की तरह लगवा रहा हूँ ना। फिर उसी तरह कह रहा है कि उसी काम को बी पूरा करता है 10 दिन में, तो बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 ले लोगे। फिर क्या कह रहा है, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में, अब देखो तीनों मिल करके यानी तीनों का एक दिन का काम ले लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम का एक दिन का काम 1/5 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 5 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को बिल्कुल आसान सा कर दिया, क्वेश्चन ही कुछ नहीं करना है, 1/5 में से माइनस कर देना है ए और बी के काम को, तो सी देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5, तो ए प्लस बी निकाला दिया है, कुछ नहीं करना है, यानी 1/12 प्लस 1/10 जोड़ना तो आपको आता ही है, इतना तो आप कर ही लोगे, कर लो करिए, 12 × 12 = 12, 10 × 10 = 10, यानी 1/5 − 10 = 10, 12 × 12 = 12, 12 = 10, 12 = 10
32 बटे 12 दम 120 काटिए कितना है बार 72 यानी 111 हो जाएगा। ठीक है, 10 12 बटे 120 काट दीजिए आएगा वो 1/5 11/60 हो जाएगा। बिल्कुल 11/60 हो गया। अब इसको करिए, कुछ नहीं करना है, 60 एलसीएम हो जाएगा, 5 से काटेंगे 12 5 60 12 1 12 -60 करिए 11, 12 में से 11 गया तो 1/60। अब देखो ये क्या निकलता है, सी का एक दिन का कार्य है, हमें निकालना क्या है सी अकेला उस काम को कितने दिन में को, तो पलट जाएगा यानी 60 दिन हो जाएगा। बोलो प्रेम से समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि देखो आप ए 12 दिन में बी 10 दिन में, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे 12 दहाई 120 दिन में, ए का अकेले एक दिन का काम 12 दहम्मा 120 10 का करोगे तो 10 12 और 10 12 मिला के जोड़ोगे तो 12 10 कितना होता है 22, 12 10 कितना हो गया 22 और कितने दिन की काम के लिए 120 में 120 यानी 22 बटा कितना हो जाएगा 22 बटा 120 और सी का अकेले का एक दिन का काम, यहाँ सी देखो कितना दिन में 5 दिन में, तो आप क्या करोगे घटा दोगे, अब इसी में से आप घटा दोगे 1/5 और इस इधर क्या है 22 बटे 120 है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो कुछ कटेगा 2 11 2 6 12 यानी 11/60। देखो सी जो वही आई, सेम वही आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर होगा आप उतने स्पीड से कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 44। यदि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 27 हो तो बताइए। देखो बहुत आसान होता है, 3 क्रमिक विषम में 27 दिया है तो आप तुरंत क्या करिए 3 से भाग दीजिए, 3 9 क्या आ गया 27 आ गया, 9 आया। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपसे पूछा क्या रहा है कि बीच वाली संख्या 9 9 के एक बाद चले जाओ विषम संख्या 11, 9 के एक पहले आ जाओ 7, पूछ क्या रहा है आपसे बीचों बीच वाली संख्या, तो 9 ही हो गया, बड़ी पूछता तो 11 हो जाता, छोटी पूछता तो 7 हो जाता। प्रेम से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मित्रों। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब इसमें क्या करना, बड़ा भिन्न कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल आसान, देखो 2 5 5 6 11 12 कुछ अंतर दिख रहा है तो आप भाग ले लो, 2/5 भाग दो 5 4 20 0.4 तुरंत भाग दे दो, 5 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, भाग दे दो 5/6 6 5 6 3 यानी पॉइंट जाएगा, 6 से भाग दीजिए 50 में 6 8 48 48 2 50 36 18 ये हो जाएगा। अब क्या है उसके बाद 11/12 भाग दे दो तो आएगा आपका पॉइंट लगेगा, पहले तो 12 दहाइयाँ 120 ज़्यादा हो जाएगा, 12 9 108 दो बचा 2 और 1 12 1 12 यानी ये हो गया 0.91 हो गया। फिर 7/8 दिया है, 7/8 में भाग दो, 7/8 में भाग दोगे तो कितना आएगा पॉइंट लग जाएगा, पहले तो 8 7 56 8 28 64 8 28 64 कितना था 70 बचा कितना 6 0 8 7 56 ये हो गया 7/8। फिर 8/9 ले लो, 8/9 जैसे लोगे तो क्या होगा पॉइंट 9 8 72 9 8 72 8 80 9 8 72 ये हो गया। अब देखो बड़ी पूछ रहा है मित्र, बड़ी पूछ रहा है, आप जरा सोच लीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी आ रही, इधर इसमें आ रही वैल्यू 0.4 कितनी आ रही है 0.4 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 0.83, इधर 0.91, इधर 0.87, इधर कितना आ रहा है 0.88। अब इसमें बड़ी संख्या कौन दिख रही है आपको 0.91 सबसे बड़ा है, तो ये इस किसकी वैल्यू है 11/12 की, बोलो प्रेम से ऑप्शन ए, बोलो प्रेम से ऑप्शन ए, समझ में आया कि नहीं। एक तरीका ये है, अच्छा दूसरा तरीका आपने देखा कि 11/12 में भाग दिया 0.8, 7/8 देखा 0.8, 8/9 अगर आपको लगातार संख्याएं जब दी जाती हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन होता 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 में आपसे बड़ी पूछता, तो जो जितना बड़ा होता जाए उतना बड़ा होता है, जितना छोटा रहेगा उतना छोटा रहेगा, ये आप मान लीजिए, ये आप जान लीजिए, आपको वैसे पता भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है, किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है 8000 है, लिख लो भैया 8000,
ठीक है, पहले वर्ष से या 10% की दर से, पहले वर्ष में 10% दर, 10% दर बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 10% बढ़ा दो, 110/100 कर दो, ठीक है। फिर और दूसरे वर्ष 20% की दर से, 20% यानी 120/100 कर दो, 100, ठीक है। फिर दो वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी, बिल्कुल आराम से लगा लो, सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भैया, 1 जीरो से इसको काट दो, 1 जीरो से इसको काट दो, आपका हो गया 8 × 110 × 12, गुणा करिए कितना आएगा, 12 11 8 88 × 12, 12 0 0 12 8 96 12 8 96 और 4 5 हो जाएगा 105, कितना आ गया 10560, कहाँ है 10560, ऑप्शन में नहीं दिया है 105, अच्छा ये दिया तो है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, कितना हो गया 10560 हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47वां, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 144 गाय बेचने पर पारुल को 6 गायों के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसका प्रतिशत बताना है। अब देखो पारुल ने क्या किया, 144 गाय बेचा, कितने पारुल ने, आप में से बहुत सारे बच्चों के भी नाम पारुल होंगे, ठीक है। तो देखो 144 गाय बेचने पर पारुल को 6 गायों के विक्रय मूल्य के हानि हुई, उनकी हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए यन को बेचने पर यक्ष वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो देखो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, क्या करते हैं इसको आप जान जाइए, जैसे 6 गायों की हानि हो रही, तो जितने गाय की हानि हो रही उसको लिख लीजिए, कितने गाय पर भैया 144 गायों को बेचने पर, कितनी 6, उनको जोड़ दो 144 + 6, परसेंटेज निकालना है, गुणे कर लो, 100, बात खत्म, 6/144, 6 कितना होता है 150, 150 × 100 करो, ये 1 जीरो को खा डूबेगा, 3 से काटो, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = कितना होता है मेरे भैया 4%, 4%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोलो प्रेम से समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, क्वेश्चन नंबर 48, वर्ग अंतराल 20 से 29 का वर्ग चिन्ह है। अब इसका वर्ग चिन्ह कहने का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह को मध्यान भी कहते हैं, एक चीज जान जाइए, आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध्यमान बताइए, तो आप जानते रहिए मध्यमान का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसको क्या कहते हैं उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा कर दो, उच्च सीमा 20 + 29 / क्या करना है 2 कर दोगे तो मध्यमान निकलेगा, 20 × 40 = 9, 49/2 करोगे तो आपको बचपन से पता है 24.5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोलो प्रेम से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर बहुत स्पीड से दीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न करा रहा हूँ, आपको रिवीजन हो जाए एक बार कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपका प्यार मिला, सहयोग मिला, तो हम अभी 2 पार्ट और लेकर आएंगे, बहुत विधिवत समझाएंगे एक एक प्रश्नों पर अच्छे से, आज क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं कर सकता, केवल क्वेश्चंस पर वार करता जाऊँगा। आइए, संचयी बारंबारता दिया हुआ है, चर और संचयी बारंबारता, एक तरफ चर दिया है दूसरी तरफ संचयी बारंबारता दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, समांतर माध्य, कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है, चर को x मान लेते हैं, संचयी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी दिया है f, देखो 5 5 10 15 20, उसके बाद 5 कितनी बार 6 बार, 10 कितनी बार है 10 बार, 15 कितनी बार है 14 बार, 20 कितनी बार है 16, इसका मतलब यह है कि इतनी बार लिखने से अच्छा ऐसे लिख लिया जाता है। अब देखो आपको करना क्या है, 6 10 6 10 14, अच्छा ये संचयी बारंबारता दिया है, क्या दिया है मित्रों, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता है। अब फ्रीक्वेंसी आप पहले निकाल लो तो माध्य निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो है पहले संख्या में से 6 में से 0 माइनस करना, 6 में से 0 निकालोगे तो 6 आएगा, अब आगे से क्या करो, अगले संख्या में से घटाओ, 10 में से 6 निकालोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा मित्र 4, 10 में से 6 निकाला तो 4 आया, जो ऊपर बचे ये ऐसे निकाल लो, 10 में से 6 निकाल लो 4 आया, अब जो आ रहा है
14 है, 14 में से 10 को घटा लो, 14 में से 10 निकालोगे तो आएगा कितना, 4 आएगा, 16 में से 14 को घटा दो कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स अगर आपने पढ़ा होगा, एफ एक्स निकाला जाता है, 5 को 6 से गुणा करोगे तो 5 × 6 = 30, 10 को 4 में करोगे तो 10 × 6 = 40, 15 को 4 में गुणा करोगे तो 15 × 6 = 60, 20 को 2 में करोगे तो 20 × 2 = 40। भैया समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स बराबर होता है टोटल, आप जो है योग निकालिए, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जोड़ो आप, 40 30 70 70 60 7 6 13 130 130 और 40 मिला के कितना होता है, 170, यानी 170 हो गया बटे फ्रीक्वेंसी आपको जोड़ना है। देखो फ्रीक्वेंसी की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वही उसका पूरा योग होता है, यानी 6 × 4 = 10 4 × 14 = 2 16 जोड़ के देख लो भैया, 170 में 16 से भाग दो, 170 में 16 से भाग दोगे तो कटेगा तो है ही नहीं, 16 × 2 = 160, 10 से ज़्यादा ही आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा ये तो फिक्स हो गया, 16 × 2 = 160। अब भाग दो, आप भाग दो 10 हो गया, नहीं जाएगा, 0 लाओगे, 16 × 6 = 96, 4 रहेगा, 2 0 लाओ, 16 × 2 = 32, 16 × 2 = 32 हो गया, 8 बच गया, 0 लाओ, 16 × 5 = 80, यानी 16.625 कहाँ है, 10.625, ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आ चुके हैं। आंकड़े 8 7 15 20 8 9 की माध्यिका होगी। देखो पहले संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब भैया जब 7 है तो कुछ नहीं करना, इसको आप क्या करो, या तो आप क्या करिए, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिख लो, बस आंसर आपका तुरंत निकल के आ जाएगा, आपके मुट्ठी में होगा, आपके जेब में होगा। पहले तो इसको लिखो, लिखो पहले सबसे छोटा क्या है, 7 7 के बाद 8 8 दो बार है, 9 10, उसके बाद देखिए क्या है, 12 12 के बाद 15 है, बीच में देखो इसको 7 को काटो, 8 को इधर काटो, 8 से इधर काटो, ये बीच में 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 इज द राइट आंसर, 9 हो गया आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, यदि आंकड़े 8 9 11 10 12 14 इतने का बहुलक 11 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें बहुलक दिया हुआ है और मान निकाल रहा है, बहुलक देने के बाद जब आपसे मान पूछा जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, आप जान जाइए जिस पद की बहुलता ज्यादा होती है उसे बहुलक कहते हैं। चूंकि संख्या 11 जो है 3 बार आती है तथा संख्या 14 भी 3 बार आई है, बहुलक 11 तभी होगा जब यक्ष का मान 11 होगा। अब 11 क्या होगी, 4 बार होगी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। देखो बहुलक 11 है तो यक्ष का मान क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 11 यहां पर है, 1 2 3 बार है, ठीक है, और उसके बाद आप देखो 11 3 बार है, इसी के साथ 14 देखो आप 1 2 3 बार है, और 11 बहुलक है तो इसका मतलब है कि 11 ज़्यादा बार आनी चाहिए ना, इसीलिए इसको भी हम 11 मान लेंगे तो 11 4 बार हो जाएगा। मेरे भैया प्रेम से बताओ, ऐसा क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन में डाल देगा आपको, आप इसमें मेहनत करने लगोगे, सारी ताकत झोंक दोगे, लगेगा यार हम इसमें क्या निकालें, और आंसर आपके सामने दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, बहुलक माध्यिका तथा समांतर माध्य के बीच में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, आप जान जाइए बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × समांतर माध्य, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 × माध्यिका - 2 × समांतर माध्य, यानी 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, 4 7 8 6 और यक्ष का समांतर माध्य 6 है तो यक्ष का मान बताइए, क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। 4 7 8 6 और एक्स का समांतर माध्य 6 है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो जोड़ो 7 4 11 11 8 19 19 6 25 25 और प्लस यक्ष जुड़ेगा, नहीं ऐसे लिख लो 25 + यक्ष बटे कितना 5, क्या करोगे 5 बराबर कितना है
छः देखो माध्य दिया है, तो इसको गुणा करो पाँच छंगे 30, x बराबर 30 में से क्या करोगे 25 निकाल लोगे, x बराबर कितना आएगा 5। बहुत स्मार्ट वर्क करना है मित्र, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से ही करना है, देखते ही क्वेश्चन उड़ा देना है। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपका लास्ट स्टेप, लास्ट चरण चल रहा है, यहाँ पर आग उगलने की बात है, क्वेश्चन देखो वार करो, बस ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन पे आओ भैया, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब का गुणनखंड बताना है। बिल्कुल आराम से जानते ही हो, आपको मैं बताना चाहूंगा, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसमें निकल के आता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर, जब भी पूछे तो इसमें तीन बाहर हो जाएगा और यही हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप उससे उसको निकालने के लिए क्वेश्चन को आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो तीन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कहाँ है, आपका ऑप्शन सी 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन होता, मान लीजिए सपोज दैट आपको कहता कि 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते। आपको मान लीजिए ए बी सी दिया है, यक्स वाई जेड देता है, यक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तब पर भी आप इसी फॉर्मूले को लगा करके आराम से क्वेश्चन निकाल लेते। और उसी में आपको बताना चाहूँगा, जब वैल्यू निकालोगे आप एक्स वाई जेड मान लोगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मानोगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस जेड करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसी में जब वैल्यू जीरो कर देगा तो जीरो हो जाएगा। दो तीन तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहेंगे तो इसको हम किसी चैप्टर में बहुत अच्छे से जो है एलजेब्रा का कुछ पोर्शन पढ़ा भी देंगे। आइए 55 नंबर क्वेश्चन पे, पहले यक्स की पावर 9 प्लस यक्स की पावर 8 प्लस यक्स की पावर 3 प्लस यक्स प्लस 1 इक्वल को यक्स प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा। देखो बहुत आसान होता है, आप ऐसे किया करो, शेषफल निकालने के लिए x प्लस 2 से भाग देना है तो x प्लस 2 इक्वल्स टू ले लो 0, x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 2 आएगा, बस x की वैल्यू माइनस 2 रख दो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। बहुत आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है इन तरीके के क्वेश्चन में, आप वैल्यू रखिए, आंसर लाइए, माइनस 2 की पावर 9 प्लस माइनस 2 की पावर करोगे 8 प्लस माइनस 2 की पावर करो 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करो। भैया माइनस की पावर जो है रहेगा तो माइनस ही आंसर आएगा, माइनस 2 की पावर 9, प्लस में करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा 2 की पावर 8, माइनस का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस लेकर आएगा, माइनस 2 की पावर 3, माइनस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस 1। भैया एक चीज़ ये देखो, पावर 9 और ये 3, 9 3 12 और इसको एक ले लो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 3 12 और एक इसको 13 लेकर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम पावर को लेकर के ही सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट इसको घटाएं, जैसी आपकी इच्छा है वैसे लगा सकते हैं। वैसे इसकी वैल्यू निकालते 2 की पावर 9 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 264 दूना क्या होगा 264 दूना 500 2 चौको 8 जाएगा, फिर आपका जाएगा 512 आएगा, कितना आएगा 512 आ जाएगा। ये देखिए 512 इतना लंबा कर लीजिए या तो 512 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूना 256 256 दूना 512 पहले लिखे थे तो यानी यहाँ 256 तक चलना है केवल, फिर माइनस 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 में से 1 कर लो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। भैया जल्दी से सॉल्व करिए कितना आएगा, माइनस 8 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 9, कितना हो गया माइनस 9, और यहाँ देखो माइनस 512 प्लस 256 करोगे तो आधा ही तो बचेगा, आधा बचेगा यानी माइनस 256 माइनस 9, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, बताओ 56 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 65, 265 बोलो भैया माइनस 265। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था लेकिन बहुत आसान था, बहुत कठिन नहीं था क्योंकि समझाने के लिए हमने इतना आपको टाइम लिया और बाकी इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान सब तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
करना है, यानी मासा पा निकालने के लिए कुछ ना करो। 105 का फैक्टर करो कितना आएगा, 105 का फैक्टर कर लो आप कितना आएगा, 3 5 15 7 1 15 7 105 होता, हाँ ठीक है। 165 का करिए, 65 का करिए, 3 5 6 5 11 1 12 कटेगा, 3 5 15 15 11 हमें कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 285 का करिए इसी तरीके से, आपको पता होना चाहिए 3 5 15 15 19 हमें 285, बहुत स्मार्ट वर्क करना है। 1365 मतलब होता है 3 5 15 15 7 105 105 13 हमें। अब क्या करना है, मासा पा निकालना। देखो कॉमन क्या क्या है, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, इसमें भी, और कुछ कॉमन है नहीं, गुणा कर लो 3 5 15। आंसर कितना आया 15। क्या पूछ रहा था, महत्तम समझती मासा पा पूछ रहा था, एचसीएफ यानी 15 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर, संख्याओं 8 9 12 15 20 25 का लघुतम समापवर्तक निकालना है। देखो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप उड़ा देते हैं, वो बात अपने स्थान की, लेकिन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप देखो 8 का फैक्टर कितना होता है, या तो आप बड़ी संख्या को लो, बड़ी संख्या को तब तक गुणा करो जब तक उसके मल्टीपल में ना आए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है मित्रों। वो कहने की चीज़ें हैं, मज़ा आती है, छोटे क्वेश्चन होते हैं तब मज़ा आती है कि चलो गुणा कर लो, 2 3 हैं तो गुणा कर लो। बड़े क्वेश्चन जैसे कई सारे नंबर्स दिए हैं तो आपको करना पड़ेगा, अच्छे बच्चे की तरह कर लो। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 9 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 2, 12 का मतलब क्या होता है आप 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 3 12, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, अच्छा 12 हो गया। 15 का मतलब 3 5 15 3 5 15, यानी 3 पावर 1 5 पावर 1, पावर में चेंज करके निकाल लो ना मेरे भैया। 20 का मतलब 5 चौको 20 5 चौको 20, यानी हो गया 2 की पावर 2 गुणे 5। उसके बाद 25 का मतलब होता है 5 की पावर 5, कुछ ना करो, जो संख्या ज़्यादा निकले जिसमें से उसको निकाल लो, 5 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 2 5 25 ना, 5 की पावर 5 तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अब देखो निकालो, 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है, 8 में, तो चाहो तो आप ऐसे ले लो 8 ले लो गुणा कर लो, ठीक है। 3 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है, देखो तो 9 में है तो ले लो 9। उसके बाद आप देखो 4 है ये नहीं है, 5 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है, 25 में है, 25 ले लो, बात खत्म, बस यही बात ही खत्म। आप 25 8 कितना होता है गुणा करना सिखा रहा हूँ, बहुत आसान, 9 8 72 72 25 में 1800, ऐसा कर लो या फिर ऐसे सीख लो, 25 8 होता है 400 4 9 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 1 9 और 5 5 25, ठीक है, 9 8 72 72 गुणे 25 72 25 में 1800 होता है, ठीक है। तो गड़बड़ी क्या हो रही, 25 8 200 होता है, अच्छा ये मतलब 25 8 यहाँ से करोगे तो 200 होगा मित्र, 200 गुणे 9 9 दूनों 1800 ये हो गया, या तो 8 9 72 72 25 में 1800 कर लेते, 1800 कहाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, समीकरण 9x² - kx + 81 = 0 के मूल बराबर होंगे यदि k का मान होगा। अब देखो k का मान होगा तब, किस स्थिति में k का मान मूल बराबर होगा, विविक्तकर आपने पढ़ा होगा b² - 4ac, d इक्वल्स टू क्या होता है, d = b² - 4ac, मूल बराबर होंगे यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस कुछ ना करो, लगा दो आराम से, लगाओ भैया b की वैल्यू, b की जगह क्या है माइनस k, k का स्क्वायर करोगे तो भैया प्लस ही हो जाए, k² - 4 गुणे a बराबर, यहां देखो a बराबर 9 गुणे c c = 81 करो बराबर 0, कर लो मेरे भैया, k² = - है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 9 36 और 36 ऐसे कर लो, अच्छा रुक के मैं बताता हूँ, आप ऐसा कर लीजिए 4 गुणे 81 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 9 चौको 36 36 81, या फिर ऐसा कर लीजिए 4 1 4 4 8 32 गुणे कर लीजिए तो आएगा कितना 2916 किसका वर्गमूल होता है, आपको आता है k = कितना हो जाएगा 54। देखो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, हम लिखने के लिए कभी कभी क्या करते हैं प्लस का ही यूज करते हैं, यानी प्लस माइनस दिया था ऑप्शन में तो मान लो प्लस माइनस 54, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, यदि यक्स बटे 6 + 6 बटे यक्स, क्या कर रहा है, यदि x अपान 6 + 6 अपान x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्या, ये टाइपिंग में गलत कर दिए, देखिए यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ऐसे होता ही नहीं है,
एक्स, ये टाइपिंग में गलत है मित्र, सही कर लीजिए, एक्स बटे छः बराबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, छः बटे यक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर बराबर 36, यक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 आंसर कितना हो जाएगा सी, यही पूछने के लिए पूछ रहा था, प्लस माइनस 6 दोनों होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है जरा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब बताइए, किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर कितना होता है, शीर्ष लंब बराबर अंडर रूट 3/2 इंटू साइड, क्या होता है इंटू साइड यानी भुजा, कुछ ना करो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा कितना 2 सेंटीमीटर, अब इसी पे सॉल्व कर लो या फिर और आगे चले चलो, अच्छा 2 से 2 तो काट लो, रूट 3 हो गया, रूट 3 सेंटीमीटर, ये लो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आप लोग फास्ट जवाब दीजिए, बहुत स्मार्ट जवाब दीजिए, स्मार्ट तरीके से, बहुत स्लो जवाब दे रहे हैं आप लोग, और स्मार्ट जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है, फॉर्मूला ही पूछ रहा है, ऑप्शन ए आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है मित्र, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं, एक आयत जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है का परिमाप बताना है, क्या कह रहा है, आयत का विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और परिमाप, भैया बहुत आसान होता है, देखो ये आयत है, क्या है ये आयत है, ये क्या है विकर्ण है, एक आयत जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर ले लो, विकर्ण 26 सेंटीमीटर ले लो, ये निकाल लोगे, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर निकालो, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 10 का स्क्वायर 100, 676 माइनस 100 निकालोगे आएगा 576, 576 होता है 24 का स्क्वायर, लो यक्स बराबर 24, एकदम मुँह जबानी लगाओ, मुँह जबानी से देख के लगाओ, स्मार्ट तरीका यही है, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 10 चौड़ाई 24, ऐसा तो होता नहीं है, ये तो लगाया, ये नीचे होना चाहिए थे ऊपर, तो आप क्वेश्चन लगाने वाली बात है, बस इतना समझिए, 24 और 10 कितना होता है 34, और 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, क्वेश्चन नंबर 63वां आपकी स्क्रीन पर, यदि एक वृत्त की परिधि 20 पाई सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 20 पाई सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास की बात कर रहा है, परिधि बराबर क्या होता है भैया 2πr, 2πr बराबर कितना 20π, कुछ ना करो पाई से पाई को ले डूबो, 2r बराबर 20, तो r बराबर यहां से काट दो 10, r बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, बात है खत्म, क्या पूछ रहा था, लेकिन उसका व्यास, व्यास बराबर 2r होता है ना, व्यास 2r के बराबर होता है, काहे को हम काट भाई करते, यहीं से 2r कर देते, यानी 10 दूनी 20 हो जाता, 20 सेंटीमीटर हो जाता, बिल्कुल आंखें आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बाद, क्वेश्चन नंबर 64 पर, -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा सकता है, धनात्मक प्रतिलोम पूछा जा सकता है, एकदम अलर्ट रहिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसी संख्या को उसी संख्या से किससे गुणा करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, यानी a गुणे a की पावर -1 होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप कहोगे 1/4 काट के 0 कर देगा, जैसे मैं कह रहा हूँ -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप क्या करोगे -7/6 लाओगे ना, तभी तो कटेगा, ये काटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -7/6 है कहाँ, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समझ में आया कि नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है यानी मल्टीप्लाई करने पर। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर, निम्नलिखित संख्याओं को कौन सा अपरिमेय है, इसमें अपरिमेय और परिमेय की बात आपने पढ़ा होगा, 22/7 क्या है परिमेय संख्या है, इसके बाद 0.69 भी क्या है परिमेय संख्या, क्यों 0.69 को आप चेंज करोगे तो पॉइंट के नीचे 1, ये हो गया 69, यानी 69/100 यानी p अपान q के रूप में डिनोट किया जा चुका है, 5/√16 और इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 हो जाएगा, यानी ये भी परिमेय हो गया, पाई जो है क्या है एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि इनके दोनों वैल्यू की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ये लगभग बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इसीलिए एक मान लिए जाते हैं लगभग, लेकिन अलग होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, लगातार आपके बीच में पढ़ा रहे हैं मित्र, बिना पानी पिए आपके बीच में काम कर रहा हूं, आपकी उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा हूं,
ऐसे हमारे मित्र अभी भी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जैसे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो को लाइक नहीं किया मित्र तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार थंब का निशान जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार थंब का निशान दीजिए, एनर्जी को हमारे बूस्ट करिए। कितनी भी प्यास लगेगी हम आपके बीच में पढ़ाएंगे, हर हाल में पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद ही पानी पियेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 100 है, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 100 और उसके बाद उनका अंतर कह रहा है 50। दो संख्याओं का योग 100 तथा उनका अंतर 50 है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आपको कर देना होता है। जरा आप बताइए कैसे आप करेंगे, बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए। दो संख्याओं का योग 100 और उनका अंतर दिया है 50, ऐसी सिचुएशन आप जान जाओ, आज के बाद गलत मत करना। आप ऐसे देखो, यक्स प्लस वाई बराबर 100, यक्स माइनस वाई बराबर 50, कुछ ना करो। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ो हाफ, वाई की वैल्यू निकालने के लिए घटाओ हाफ, जोड़ो हाफ। 100 प्लस 50 कितना होता है? 150 150 होता है, 150 का आधा 75 लो। अब घटाओ हाफ, 100 में इस 50 निकालो कितना हुआ? 50, 50 का आधा कितना होता है? 25। वाई बराबर कितना? 25। मेरे माई बाप जरा बताओ, अनुपात पूछ रहा है, निकालो। 25 एकम 25, 25 त्रिको 75, 3:1 हुआ कि नहीं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब दीजिए, बिल्कुल अच्छे से जवाब क्वेश्चन नंबर 67 का आना चाहिए। -2/5 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या पूछे, किसी भी संख्याओं के बीच में जब परिमेय संख्या पूछे तो कई सारे तरीके होते हैं। एक तो हम उनको जोड़कर लगा लेते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं उनके जो है हर को मल्टीप्लाई, जैसे देखिए -2/5 और -1/5 के बीच कह रहा है दो परिमेय संख्या। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, नीचे जो है ऊपर 3 से गुणा करें, नीचे 3 से गुणा करें, ऊपर 3 से गुणा करें, नीचे 3 से गुणा करें। तो 3 दोनों कितना हो गया? -6, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, -3, 5 × 3 = 15। तो देखो -6/15, -3/15, इनके बीच में 6 के पहले क्या आएगा? माइनस, तो -5/15 हो जाएगा। 5 के पहले क्या आएगा भैया? -4, -4/15 हो जाएगा। ये दिया है तो ये बीच की संख्या हो गई क्या क्या? -5/15, -4/15। अब आप तय कर लो, चाहे आप उस तरीके से लगा लो, चाहे आप इस तरीके से लगा लो। आप देखिए -3/15 माइनस क्या आया है? -5/15, -4/15। तो इसको सॉल्व करो, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15। ऐसे भी तो काट सकते थे, -1/3 भी कर सकते थे, -1/3 भी इसमें हम लगा सकते थे। तो -1/3 और इसकी वैल्यू पूरा का पूरा ले लिया, -4/15, ऑप्शन ए हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं मित्रों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत है, गिला शिकवा शिकायत है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चे, आपको कम समझ में आया, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, -2/5 और -1/5 की बात कर रहा है। जोड़ के देखो, जोड़ के देख लो आप इसको, उस तरीके से भी कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका यही होता है कि -2/5 ले लो और -1/5 ले लो, हर बराबर करो, हर बराबर कर लो। हर बराबर करोगे तो यहां 3 से, यहां 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? -3 × 6, 5 × 3 = 15। इसमें 3 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो, -3/5 5 × 3 = 15। अब देखो यहां -6 है, यहां -3 है, तो -6 के पहले क्या आता है? -5 आता है, -5 के पहले क्या आता है? -4 आता है, -4 के पहले क्या आता है? -3/15 तो लिखोगे ही ना, 15 तो लिखोगे ही, सांस लेते रहिए, जवाब देते चलिए। 5 × 5 = 15, यानी -1/3 हो गया, ये सॉल्व होगा नहीं, -4/15 ले लो, ऑप्शन बी। अब तो समझ में आ गया, आगे बढ़ चलो मेरे भैया। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, संख्या 18.4848 को P/Q के रूप में निरूपित करिए। ये लगातार संख्याएं जब ऐसी तरह से दी जाती हैं, बहुत आसान है। देखो 18 प्लस लिख लो इसको, कितना? 4848 करते चले जाओ। अब आपको सॉल्व करना आता है, क्या करोगे? 18 प्लस 48 को सॉल्व करो, कितना आएगा?
48 को सॉल्व करने के लिए आप देखो, ये जब बार बार संख्या आती तो इसको हम बार लिख सकते हैं, बार को हटाने के लिए 99 से ऐसे कर दोगे, यानी क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया कि 18 प्लस 48 बटे 99। सॉल्व करो इसको, कुछ सॉल्व होगा क्या? 48 बटे 99 सॉल्व करिए, किससे कटेगा, किसी से कटेगा, 11 नवा 99 किसी से कटेगा मित्रों, 48 बटे 99 तीन से कटेगा, हाँ 3 × 1 = 18 3 × 9 = 9 बिल्कुल 16 बटे 33। तो देखो कितना रहा है, 18 + 16 = 33। अब आप कर लो, 33 × 18 + 16 18 × 3 = 24 और 6 जोड़ोगे तो 30, यानी 610/33 हो गया, यानी 610/33 किसी में मिल रहा है क्या? ऑप्शन बी 610/33 बी हो गया। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अच्छा एक तरीका ये, दूसरा आसान तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत आसान, लिख लो आज। यहां देखो वैल्यू क्या आई थी, 18 + 48 / 99 आई थी, 99 का गुणा आपको आता है नहीं आता है, आज के बाद गलत मत करना। देखो कैसे कैसे, देखो 18 + 48 / 99 था, 99 को आप 18 में गुणा करोगे, 18 × 99 + 48 / 99 यही तो करते। अच्छा 18 इसको गुणा करने का एक नियम होता है, चलिए अच्छा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा देर से क्लास चली है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 पर जवाब देते चलिए। एक घड़ी 405 में 10% हानि के साथ बेची गई है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। क्या की गई है? 10% हाँ, एक घड़ी जो है 405 में 10% हानि पर बेची गई है। कितने परसेंट? 10% हानि पर बेची गई है। तो भैया 405 रुपये, और क्या पूछा, घड़ी का क्रय मूल्य 100 बटा कर दो, और कितने पे थी? 405 में 10% हानि, हानि का मतलब घटा दो, 100 में से 10 घटाओ कितना आएगा? 90। सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, ये 0 0 खा गया, 9 से इसको काटो, 9 से इसको क्या करना है, डिवाइड करिए, 9 × 36 4 × 40 9 × 5 = 45 45 × 10 = कितना? 450। बोलो कहाँ 445 कहाँ हो गया, 450 कहाँ दिया है ऑप्शन में, 450 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ऑप्शन जो है लग रहा है पांडे महाराज हमारे टाइपिंग भूल जाते हैं, बहुत सौदा आदमी हैं। 450 होगा फ्रेंड्स, कितना होगा? 450 बना लीजिए। बहुत ऐसे निकम्मे आदमी कभी सफल नहीं हो सकते, मजबूरी में आदमी आपको लगाएगा तो काम में, लेकिन आपको बाद में फिर, तो ऐसे लोग काम चोरी मत किया करिए, नहीं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। 450 देखो, अब अभी मान लीजिए अल्हर टीचर होते तो ढूंढते रहते हैं आंसर कहाँ गया, आंसर कहाँ गया, उसी में पता लगा उलझ जाते ना, ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंतिम प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे अंदाज में आपको देना है। माना ABCD एक वर्ग है, माना ABCD एक वर्ग है, बताइए, चलिए माना ABCD एक वर्ग है, यदि विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। बहुत आराम से चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, माना ABCD एक क्या है, वर्ग है, माना कि ABCD एक वर्ग है, यदि विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों तरीका। पहले तो आप ये जान जाओ, इस तरीके के जब आपको क्वेश्चन दिए जाएँ जिसमें आपको क्या दिया है, लंबाई दिया है विकर्ण की, तब वर्ग का क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जान जाइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अच्छा हाफ इंटू विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है 5.2 का स्क्वायर। अब 5.2 का स्क्वायर निकालने में तो दिक्कत होगी, काहे को दिक्कत, 52 का स्क्वायर निकाल लो, 52 का स्क्वायर तो दिक्कत नहीं होगी, 1/2 × 52 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा भैया, 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 2 × 5 = 10 10 × 2 = 20 20 का लिखो सिफर,
हासिल हुआ 2 25 25 2 27 2704। हाँ, अब पॉइंट लगा लो, दो स्थान पे भाग दे दो, इसको 2 से भाग दे दो, 13 दूनी 26 और 27 दूनी 54 यानी 13.52 आएगा। देखो 5 13 2 1 कम 2 2 3 6 1 2 5 10 2 2 4 बिल्कुल 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ मिल रहा है 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कैसे रहा आज का सेशन मित्र, जिसमें हमने आपको BEO के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे हुए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। आज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे सलूशन दिया। आशा करता हूं कि आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए, शाम को आपके बीच में सारी क्लासेस होंगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।